उमर ने सर अच्छा याद दिलाया, उमर हमेशा मेरी रिकॉर्डिंग भूल जाता है। नहीं मैं एक और चीज सोच रहा हूँ ना यार, मैं रिकॉर्डिंग करने की बजाय मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद, इसको मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव ना ले जाऊँ, वहीं पे सारा सेव डायरेक्ट सेव हो जाएगा यूट्यूब पे, वो कौन सा कोई देख रहा होगा वहाँ। सर चले छोड़े छोड़े, कर दिया रिकॉर्डिंग शुरू, करें बिस्मिल्लाह करें। चले जी आज सर आज मुजफ्फर की क्लास। सर थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर क्लास फेलोज, रदर देन के मैं उसको इंग्लिश में स्टार्ट करूं, कंपैरेटिवली आसान लैंग्वेज में सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उसको सम अप कर लूं। आज का हमारा टॉपिक था, उसका जो मेरे पास पोर्शन था वो था ब्रेन डैमेज और क्रिमिनल बिहेवियर से मुताल्लिक। ये देखने में तो वैसे बड़ा सिंपल सा टॉपिक लगता है, सिंपल सी बात है कि जिसका ब्रेन डैमेज होगा मे भी हो सकता है वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ चला जाए, बट ये जितना सिंपल है उतना ही कम्प्लेक्स है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च और इन टर्म्स ऑफ जो साइंटिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर है उनकी टर्म में। और इसको कॉमनली जो इस टर्म को कहा जाता है डेट इज TBI, ट्रामा ब्रेन इंजरी से रिलेट किया जाता है, और इसी का रिलेशन हम देखने की आज कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल बिहेवियर के साथ इसका कोई लिंक बनता है कि नहीं बनता। सबसे पहले हम ब्रेन को देख लेते हैं, ब्रेन को समझेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ब्रेन की इंजरी फर्दर क्या होती है, और इंजरी को समझेंगे तो हम फर्दर ये समझने में कामयाब हो जाएंगे कि इसका वाकई को रिलेशन क्रिमिनल बिहेवियर के साथ है भी कि नहीं, इन रिस्पेक्ट के हम रिसर्च में जो कुछ देख रहे होते हैं और उसके हमारा अपना जो एनालिसिस है, इन तीन चीज़ों को समझने के बाद हम इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि हम ये एनालाइज कर सकें कि इसका कोई इफेक्ट क्रिमिनल बिहेवियर पे, क्रिमिनलिटी पे, क्रिमिनल एटमोसफेयर पे आता है कि नहीं आता। ब्रेन देखने में बड़ा सिंपलेस्ट सा ही ऑर्गन इंसान के जिस्म का होता है, लेकिन उतना ही ये कम्प्लेक्स है जब इसके फंक्शनैलिटी को देखा जाता है। सिंपल सी कोट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोफिजिशियन की, वन ऑफ आवर डर्टी लिटिल सीक्रेट ऑफ द ब्रेन इज टेलिंग दैट इज दैट ऑफन सर अगर मुजफ्फर साहब वीडियो पे आ जाएं तो। मुजफ्फर वीडियो से आ जाएं भाई। श्योर मैम, वीडियो इज ऑन नाउ। ओके थैंक यू मैम, गो बैक टू द कोटेशन। सो वन ऑफ आवर डर्टी लिटिल सीक्रेट इज दैट often the location of brain damage does not link up with where we think the symptoms are coming from. So brain ke symptoms hamesha hi kisi bhi opposite side pe, generally hum sabko bhi pata hai ki right portion ko left aur left portion ko right wala brain ka portion control kar raha hota hai jism ke, aur ye jab complex procedures aur functionalities mein aata hai to tab bhi iski yahi situation hai ki jahan pe trauma ke effects chal rahe hote hain मे भी उसके लिंकेज बहुत दूर तक कहीं पे जा रहे हूँ उसके जो रिएक्शंस होते हैं। ब्रेन के बारे में जब हम देखते हैं तो ब्रेन सिंपली जस्ट लाइक हम उसको कह सकते हैं कि ऑप्टिक फाइबर की तरह है, क्या है कि इसका 3D इमेज अभी थोड़ी देर बाद मैं शेयर करता हूँ, एक मैंने निकाला था नेट से, कि वो जस्ट लाइक लिटिल थ्रेड्स की तरह होता है और वो अपनी जब उसके पास कोई चीजें आती हैं तो आगे फर्दर सर्कुलेट कर रहा होता है बाकी सारी बॉडी पार्ट्स की तरह। उसके बाद ब्रेन के अंदर जो उसकी मेमोरीज की मेन चीज होती है जिसकी बेस के ऊपर चाहे वो चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक कहीं पर भी आए वहां पे तो दो किस्म की जो मेमोरीज हैं उनको देखा जा सकता है, वर्बेटिम मेमोरी और दूसरी उसकी थी फजी रिप्रेजेंटेशन। जो वर्बेटिम मेमोरीज होती हैं वो आपकी विविडली रिमेम्बरेंस होती हैं, डिटेल्स के अंदर चीजों को याद करने वाली चीजें होती हैं, और जबकि जो उसकी गेस्ट मेमोरीज होती हैं वो फजी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि पास्ट इवेंट होती हैं, और उनमें से बहुत सारी चीजों को सर ने भी हमें बीच में शुरू के कुछ लेक्चर्स में बताने की कोशिश की कि उन्हीं मेमोरीज को ही कंट्रोल ट्रैक करके वो किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके प्रॉब्लम को देखते हैं। ये दो टाइप की मेन मेमोरीज होती हैं जो ब्रेन को बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है। तो हम फाइनली ब्रेन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन बिकम्स माइंड when they learn to dance with other brains, otherwise तो वो सिर्फ एक ब्रेन ही है, एक ऑर्गन ही है, जब उसके पास ये पावर आ जाती है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की then वो माइंड बन जाता है। अगर हम TBI की हिस्ट्री की तरफ जाएं तो क्लास अगर आपको याद हो तो सर ने शुरू में ही हमें मैकडाला के बारे में जब बताया था तो 25 years old American की जब बात हुई थी 1848 के अंदर, जो बंदा एक एक्सीडेंट रॉड आयरन रॉड के साथ हुआ था जिसमें वो सरवाइव कर गया था और
लेटर ऑन उसी की जो एक्सीडेंट था उसके बाद जब साइंटिस्ट ने उसको रिसर्च करना शुरू किया तो देन वो ये दैट वाज द स्टार्टअप पॉइंट ऑफ द ब्रेन इंजरीज जिसके बारे में डैमेज ब्रेन और उसके क्रिमिनोलॉजी पे इफेक्ट के बारे में लोगों ने साइंटिस्ट ने साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया था और ये स्टडी फिर चलती चलती उन्होंने मुख्तलिफ बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक अहम चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एक टेन्योर के अंदर 1848 से लेकर आज तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट न्यूरोफिजिशियंस और साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट स्टडीज की हैं और हर एक स्टडी का अपना एक पैटर्न है। जैसे हम स्टैट में पढ़ते हैं पॉपुलेशन रिसैम्पलिंग, उन्होंने कुछ पॉपुलेशन रिसैम्पलिंग कलेक्ट करके की तो उनमें से मोस्टली इफेक्ट जो 60% ऑफ द टोटल सारी रिसर्च स्टडीज हैं वो यही कहती हैं कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बचपन में बिल्कुल छोटे होते हुए या उसके बाद भी एडल्टनेस तक जब आप पहुंचते हैं जब कोई ब्रेन इंजरी होती है तो उसका पैटर्न जब उन्होंने उसके क्रिमिनल बिहेवियर पे सर्च किया तो उसका कोई ना कोई 60% ऐसी उनके पास सैंपलिंग सक्सेसफुल हाइपोथेसिस रहा कि उनका कोई ना कोई रिलेशन क्रिमिनलिटी के साथ बनता है। मीन ब्रेन डैमेज का इफेक्ट क्रिमिनलिटी के साथ कोई ना कोई जरूर आता है। यहीं पर एक और चीज जो कि डेवलप कंट्री के अंदर आ गई वो डेट वॉज द न्यूरो लॉ कि अब अगर जैसे हमारे कंट्री के अंदर भी कहते हैं जी बंदा इंसेन पागल हो गया और बंदे ने कुछ ऐसा काम कर दिया तो सेम इस चीज को उन्होंने न्यूरो लॉ की तरफ लेके गए हैं। इस चीज को प्योरली जिस तरह सर हमें बताते होते हैं एनएलपी के कंसेप्ट के अंदर उन्होंने कहा कि ब्रेन में वाकई कोई इंजरी हो जाए तो उसके बाद बंदे के अपने कंट्रोल में चीजें कम हो जाती हैं जिसका इफेक्ट क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ ज्यादा जा सकता है। हालांकि इसको प्रूव करना एट ए सर्टन पॉइंट वो काफी मुश्किल है लेकिन अभी डेवलप कंट्रीज उस न्यूरो लॉ की फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं पर्टिकुलरली ऑन दिस पॉइंट। एक छोटी सी साइंटिफिक चीज जो ड्यूरिंग माय स्टडी मेरे सामने आई कि LOC की एक टर्म यूज करते हैं जब हम ब्रेन डैमेज को एवेल्युएट कर रहे होते हैं दैट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नॉर्मली इसके 15 स्केल्स होते हैं दैट इज द फुल कॉन्शियस पर्सन, 13 के ऊपर नॉर्मली वो डील कर रहा होता है, 9-12 के अंदर माइल्ड सा ये वो पॉइंट होता है 9-12 कॉन्शियसनेस वाला LOC का जहाँ पे कुछ इंजरीज होती हैं जिसके इफेक्ट्स बाद में लेटर ऑन आपकी लाइफ के ऊपर क्रिमिनल बिहेवियर की सूरत में आ सकते हैं। हमने सारी रिसर्च की बात कर ली, सारे एनालिसिस की बात कर ली और उसके अंदर जो टोटल नक्शल निकला कि 60% ऑफ द प्रिजनर्स हैव हैड इंजरीज और इनका जब डेटा बैंक चेक किया गया फर्दर तो उन एक्सपर्ट ने कहा कि उनको ब्रेन डैमेजेस कहीं ना कहीं पे हुए थे जो कि उनको फ्यूल कर गए क्रिमिनल बिहेवियर की। इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अगर हम बच्चों में देखते हैं TBI के कंसेप्ट को तो बचपन के अंदर जब भी ब्रेन इंजरीज होती हैं या तो वो बहुत फैटल होती हैं बच्चों के लिए इवन वो कम भी होती हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम बचपन में बच्चों को ऊपर फेंकने और जोर जोर से उसको हिलाने और प्यार करने के थे तो साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता लेटर ऑन उसको प्रूव किया कि इस तरह से बच्चे का जो ब्रेन है वो डैमेज होने का खतरा होता है जब आप उसको जंपिंग करवाते हैं, जब उसको जोर से जोड़ते हैं प्यार में, किसी खुशी में, किसी और फन के अंदर, तो इस चीज को डेफिनेटली और वो जो डैमेज इफेक्ट है वो उसके साथ लाइफ में बहुत सारे आगे पैटर्न्स तक चल रहा होता है। बच्चों के अंदर चूंकि हमारे क्रिमिनल बिहेवियर में भी सर भी बहुत दफा बता चुके हैं कि ये वो जो अर्ली स्टेजेस होती है बिफोर द एज ऑफ 18 वहां पर जब ब्रेन डैमेजेस होते हैं तो वो डेफिनेटली ज्यादा आगे तक चलते हैं इस किस्म के सिनेरियो में कि वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ आपको लेके जाए। वहां पर जो सबसे बेस्ट चीज पेरेंटल गाइड की तरफ से आती है वो है एम्पैथी का एटीट्यूड। क्यों एम्पैथी का एटीट्यूड साइकोलॉजिस्ट भी लेके आते हैं, न्यूरोफिजिशियन भी लेके आते हैं, न्यूरोसर्जन भी लेके आते हैं, एवरीबॉडी जो भी इस रिकवरी में आना चाहता है उसके लिए अगर वन वर्ड कहा जाए तो एम्पैथी का एटीट्यूड लेके आते हैं। अब बाकी सब चीजें नो डाउट होती हैं, सिर्फ एम्पैथी की बात नहीं है, उसका इलाज भी होगा, उसकी मेडिकेशन भी होगी, उसकी थेरेपीज भी होंगी, बट दैट इज द मेन थिंग जो कि हम की जा सकते हैं। अगर हम अपने कंक्लूजन के ऊपर आए तो डेफिनेटली आजकल के सिनेरियो के अंदर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि TBI अकेला ही काम कर रहा होता है क्रिमिनल बिहेवियर को एवेल्युएट करने के लिए क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी इस तरह की रिसर्चेज हैं, बट उसके साथ साथ आपका जो फैमिली सोशल स्टेटस है वो एक बहुत बड़ा अहम पहलू होता है जो उसके साथ कोलैबोरेट करता है। एंड थर्ड वन इज डिसरप्टिव बिहेवियर
जो कि एज 6 to 12 तक चलता है. तो ये तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको लेके चलता है. एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स, रिसर्चर्स स्टिल इसको, अगर हम इसको पजल गेम की तरह ले तो इसके पीसीज को अभी तक भी जोड़ रहे हैं. ब्रेन को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके डैमेज के इफेक्ट को क्रिमिनल बिहेवियर तक वो कहाँ तक लेके जाते हैं, वो अभी तक भी इस पजल को टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच. एक्सलेंट मुजफ्फर. इसमें दो चीजें, मैं खाला हमने यार, ये एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे बार बार, प्लीज के काइंडली अपने माइक्स को आप लोग इंश्योर करें कि ये बंद है, क्योंकि मैं बंद करता हूँ फिर खुल जाते हैं आपके माइक्स. तो आप लोग प्लीज जो नहीं कर रहा ना वो अपना माइक काइंडली बंद रखें, ठीक है. और मुजफ्फर बहुत अच्छी है, जबरदस्त. मुझे आपने एमिग्डाला को, मैं सोच रहा था कि शायद आप एमिग्डाला की एग्जांपल को ज़्यादा एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन चूंकि वो आप लोग कर चुके हैं शायद इसलिए आपने नहीं उसको एक्सप्लेन किया. हाउएवर दूसरी जो मैंने आप लोगों को रिसर्च बताई थी जो ब्रेन की वाली MBIT वाली, उसके ऊपर आपने उस पर थोड़ी सी अगर बात करते तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च है, जिसमें बेतहाशा उन्होंने केसेस किए हैं कि जिनकी ब्रेन की जो फिजिकल डैमेजेस हैं उनकी वजह से वो उनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ रही थी. मसलन 6 साल का 7 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा वो जो था, वो एक जिस बच्चे की वो एग्जांपल सबसे ज़्यादा कॉमन लेते हैं, तो वो बच्चा जो है वो हर बहन भाइयों को मारना, झगड़ना, लड़ना शुरू कर गया था. तो उन्होंने जब चेक किया उसको तो उसके एक नर्व जो थी वो पिंच हुई हुई थी ब्रेन में. और तो उन्होंने उसका वहाँ पर बाकायदा उसका जब उसको रिलीज कराया नर्व को तो चाइल्ड बिहेवियर चेंज्ड. सो जब हम ये, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो फिजिकल ब्रेन की कंडीशन है जिसको अब साइंस ज़्यादा वैल्यू करने लग गई है, तो उसको हमें वो, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि वो उसका इम्फेक्ट जो है वो मसलन अगर किसी के जो है एमिग्डाला जो है वो अंडर प्रेशर पड़ा हुआ है किसी वजह से, या उसके कोई ग्रोथ हो गई है. अब वो एक और केस था जिसमें उसके ब्रेन में सिस्ट निकल आई थी, और वो सिस्ट थी तो बहुत ही छोटी, माइक्रोन्स में थी, लेकिन ब्रेन भी तो माइक्रोन्स में ही है ना, इतना ज़्यादा ब्रेन है बेचारा, ठीक है. तो वो सिस्ट जो थी वो उसने उसके अंदर जो है ना वो सारी एक्टिविटी उसकी डल कर दिया हुआ था उसको, तो वो बिल्कुल हर वक्त सोना और चिड़चिड़े रहना और ये वो. द मिनट दे रिमूव द सिस्ट, द गाय इज नाउ 21 ईयर्स ओल्ड जिसकी वो स्टोरी है, एंड ओनली आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सिस्ट ही इज अ टोटली चेंज पर्सन. सो फिजिकल डैमेजेस में ये मेरा ख्याल है इन चीज़ों को थोड़ा सा और हमें करने की जरूरत है कि ये वाकई ही इस वक्त साइंस इस नतीजे पहुँच गई है कि फिजिकल डैमेज को कंट्रोल करके आप क्रिमिनल्स को रिवर्स प्रोसेस में ले जा सकते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट एक्सीलेंट, ग्रेट स्टार्ट. सर एक छोटी सी वीडियो है सर, जस्ट क्लास के लिए मैं छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ. आप वीडियो भी शेयर करें और वो जो आपने ब्रेन की पिक्चर कही थी वो भी शेयर करना. सर बिल्कुल ठीक है सर. ये पहले वीडियो के, अभी हम जब फिजिकल डैमेजेस अपनी बॉडी के बारे में करते हैं तो इसी तरह ही साइंटिस्ट, अब जो मैं रिसर्च पढ़ रहा था इसमें ये वाला जो मेथड है अभी उसके ऊपर तो ये रिसर्च इनकी थी कि इन्होंने फिजिकल बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं, बट इसको अब वो ब्रेन के बारे में भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. बिल्कुल सही. नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल आप उसको स्पीकर के ऊपर माइक रख दें, अपना हेडफोन अगर है तो हेडफोन रख दें, इसको दोबारा से प्ले कर दें. सर बेसिकली इसके साथ सर अपनी कोई साउंड नहीं है. अच्छा, वीडियो की है सर. ठीक है जी सर, वो सिर्फ म्यूजिक ही है सर. ओके, फिर ये टाइनी चिप्स है सर जो उन्होंने बनाई है. ये टाइनी चिप्स आपके कहीं भी सेल के ऊपर जहां पर आपके डैमेजेस हैं वहां पर ये रख देते हैं, और वो खुद ब खुद ही इसके जो डेड सेल्स होते हैं वहां पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को, और ऑनवर्ड आपकी जो चिप है वो आपकी जेनेटिक कोड्स को, स्किल के जो सेल्स हैं अंडरगो, उनको चेंज कर देती है, उसका फ्लो ठीक करती है, उसके साथ वो बॉडी पार्ट को ठीक कर देती है. सेम यही वाली चीज, यही वाला काम इसी चिप के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ वो ब्रेन के बारे में आप इसको कर रहे हैं. क्यों? ब्रेन की बजाते खुद सर्जरी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, चूंकि मैं अपने भाई के साथ इस उनको भी ब्रेन इंजरी हुई थी, तो 3 महीने उनके साथ रहा था, तो उसके बारे में काफी उस टाइम भी मैंने पढ़ा था. तो ये अगर रिसर्च कामयाब हो जाती है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, स्पेशली ब्रेन की जो इंजरीज हैं उनको रिकवर करने के बाद. रेफर, ये जो
चिप सी है, ये बाहर ही एक्सटर्नली इस्तेमाल होती है या ऑपरेट करके अंदर? सर एक्सटर्नल, जस्ट एक्सटर्नल। ठीक ठीक, तो बड़े जबरदस्त है यार, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है मतलब? सर ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। जैसे हमको हथेली के ऊपर चीज रखते हैं, से बाल रख ली या कोई मोबाइल अपना रख लिया, लाइक दैट उस जगह पे रख, इतनी ही है सर, ये इतनी ही है। एक्सीलेंट, गुड वन मुजफ्फर। अनुभव दूसरा आप 3D भी शेयर कर दीजिएगा इसके बाद। अच्छा इसमें एक चीज और भी मुजफ्फर, अगर आप काइंडली ऐड कर लें, ब्रेन की जो टाइप्स हैं, रेप्टाइल ब्रेन, इमेजिनेटिव ब्रेन, कॉग्निटिव ब्रेन, अगर वो भी आप जो है ना जब अपने इसके फाइनल नोट्स कंपेयर करेंगे उसमें भी आप थोड़ा रिएक्टिव ब्रेन, रेप्टाइल ब्रेन ये जो है ना, इनका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सर एक्चुअली ये जो रिसर्च है ना इनकी, किसी भी हर साइंटिस्ट की, मतलब दो तीन रिसर्च मैंने उसकी वो जो डाउनलोड की, उनके जो फिगर एनालिसिस उन्होंने किए, कि पहले उन्होंने उनको फिजिकल एनालिसिस के ऊपर इनको वैल्यूएट करना शुरू किया कि उनकी इंजरीज कब कब हुई थी, किस रेट में हुई थी, किस लेवल की हुई थी, कॉन्शियस लेवल उनका क्या रहा था। जब उन्होंने ये एनालिसिस किया फिर उन्हीं सैम्पलिंग का डेटा उठा के उन्होंने उनको लॉ एनफोर्समेंट के साथ उनको किया, कलेबोरेट किया कि वहां पर कितना एक इफेक्ट आता है और ये रिपीटेडली कितनी दफा आते हैं, और उसके अंदर रेपिटेशन में यहाँ तक पहुंच गई थी बात के जो 18 इयर्स एंड बिलो वाले ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो किसी ब्रेन डैमेज इंजरी की वजह से क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ गए हैं, सस्पेक्टेड जो उनकी रिसर्च कहती है, उन्होंने अपना क्रिमिनल बिहेवियर अपनी सजा भुगतने के बाद भी को राउंड 84% ने दोबारा रिपीट किया। मीन उनको उन्होंने मेंटल थेरेपी करने की कोशिश भी की एक हद तक जो होती है, उसके बावजूद उनमें रेपिटेशन का अमल ज्यादा था। मीन ब्रेन डैमेज जो होता है डेफिनेटली वो आपको क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जो लेके जाता है, उसको ठीक करने के लिए आपको शायद मेडिकेशन की भी जरूरत है और साइकोलॉजिकल थेरेपीज की भी जरूरत है। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं आप जो ब्रेन की टाइप्स आपने एक्सप्लेन की थी, मैं एक मिनट आपके साथ ये शेयर करता हूँ, एक मिनट स्क्रीन, एक सेकंड ठहरा। सर ये वो फाइबर्स जिनकी बात कर रहे हैं, जिनका ये ब्रेन की जो फाइबर्स हैं उनका 3D व्यू है जो आपके सिग्नल्स को ब्रेन से बाकी सब बॉडीज की तरफ लेके चलते हैं। बिल्कुल, मैं एक सेकंड। और ये सर ये स्कल जो उस अमेरिकन की गेज की जो आपने भी बात की थी, फिनिस पी गेज, बेसिकली स्टार्टअप हुआ कि अभी भी वहां पर पड़ी हुई है सर अंदर, और बेसिकली इसी रिसर्च की बेस के ऊपर ये पूरी जितनी रिसर्च है यहीं से स्टार्ट हुई। हां ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम देन दे रियलाइज कि यार ये कुछ चक्कर है। सो फिनिस पी गेज से कहते हैं, अमेरिकन क्रोबार केस, बहुत इंटरेस्टिंग है ये समझने के लिए। अच्छा जिस चीज की मैं मुजफ्फर बात कर रहा था ना, वो ये है, एक सेकंड ठहरे, ये तीन मेजर टाइप्स ऑफ ब्रेन हमारी हैं जिनको जिनको हम कहते हैं रैशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन और रेप्टाइल ब्रेन। ये रेप्टाइल, इमोशनल एंड रैशनल, ठीक है। और ये जो है ना, ये हमें स्नेक और स्टिक, इसका डिफरेंस इन्हीं तीन की, इनको आप स्टडी कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ भी आपको दिखाऊंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इनको आप लोग थोड़ा सा अपनी स्टडी में जो अपने नोट्स होंगे आप बनाएंगे ना, अभी हम ये करेंगे कि जो 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 बंदा जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है ना, यही आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो नोट्स में काइंडली इसको ऐड कर दीजिएगा आप, ठीक है। इन्हीं नोट को हम इंशाल्लाह यूज करेंगे। एक्सीलेंट मुजफ्फर, हैट्स क्या कहना चाहिए, हैट्स ऑफ टू यू, ग्रेट जॉब। चलें जी, नेक्स्ट नाजिया है गालिबन, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है हमारे साथ सिद्रा जी। सिद्रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर, द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज साइकोसिस एंड क्रिमिनलिटी। अगर साइकोसिस को डिफाइन करें, दैट इज लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। In other words, a severe mental disorder in which thoughts are so impaired that the contact is lost with external reality. Psychosis ke symptoms mein hamare paas delusion, hallucination, thought disorder and aggression aa jaate hain.
अब डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन को उर्दू में खब्त कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि फर्ज जो है रियलिटीज को जुटला के, रियलिटीज जो हकाइक होते हैं उनको जुटला के फॉल्स बिलीव्स कायम कर लेते हैं और उनको किसी भी सूरत में बदलने पर तैयार नहीं होता। डिल्यूजन के हमारे पास टाइप्स में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस आ जाते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसका मतलब होता है खब्त अज़ियत। इस टाइप में क्या होता है कि एक फर्ज जो है उसको ये बिलीव हो जाता है कि लोग उसको तकलीफ दे रहे हैं, कभी उसको लगता है कि उसको जबरदस्ती जहर देने की कोशिश की जा रही है, कभी उसको लगता है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ हो गया सदरा है। जी सिद्रा, आपके साइकोसिस हो गया? ये सर हो गया। है? ये अब ये इम्तिहान में आने वाला एक गाना, ये याद रखना है आप लोगों ने। यार ये वैसे बाकी तो सारी कहते ना, बाकी दिया गल्ला छड़ो, पहले ये दसो एक एक गाना कितों कड़े आजे। जी सर, मैं तो कह रहा हूँ ये सर, बड़ा मजे का था। ये किसने, ये किसकी और जो मेन जो एडिटिंग है और जो सॉन्ग की सिलेक्शन है, ये मेन काम उमर का है। उमर स्पेसिफिक जो हमारे बच्चे ड्राइव है उसमें बड़ा माशाल्लाह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और बल्कि प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। उमर बड़ा जबरदस्त यार, कौन सा कहाँ से, कभी नहीं सुना ये वाला उसे मैंने। थैंक यू सर, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जबरदस्त है ये तो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो उमर की एडिटिंग की जो है ना, वो इसका मतलब है हम सर्विसेज लें फिर। उमर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है एडिटिंग के लिए? सर मैं आपको सॉफ्टवेयर भी सेंड कर दूंगा। क्या बात है, चाह गए आप। चले यार जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। मेरा दिन यहां पे सीक्रेट्स रिवील करना चाह रहा था। ठीक है जी, समझ गया, मैं सारी बातें समझ गया। तो सिद्रा बेटा, आपको बहुत बहुत अल्लाह ताला आपके लिए जो है ना ये जिंदगी में आसानियां और दीन और दुनिया दोनों की जो है वो आपके लिए जो है दर्जात बुलंद करें। और इंशाल्लाह हम सब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह करे क़यामत वाले दिन हम सारे कौसर से नबी पाक सल्लम के हाथों से पानी पिए। और आपकी जो बर्थडे है, ये रमज़ान का स्टार्ट है, तो अल्लाह ताला मुबारक करे इंशाल्लाह सबके लिए। चांद नजर आ जाएगा। चांद तो नजर आ गया ना हमें भी, ये देखा आ गया चांद। सब ने चांद देख लिया। क्लीम ने ऑन किया, कुछ क्लीम करना चाह रहे हैं? क्लीम आपने माइक ऑन किया, कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? चल नहीं, वो कहना चाह रहे होंगे कि सुबह रोजा रख लेना, तो हम सर रख लेंगे, आप परेशान। पहले वो
मैं बात करने वाला था, जब आपने बात की, दुआएं दी, तो उस वक्त मैं भी यही दुआएं देने वाला था, फिर मैंने कहा भी रेपिटेशन हो जाएगी, तो माशाल्लाह यू हैव कवर्ड इट अप। जज़ाकअल्लाह खैर। चलिए सर, अभी मैं फायदा उठाते हुए, इंटरप्शन तो हो ही गई है, तो मैं आपको एक दफा फिर आपको आपके सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ, अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। वैसे हमें महक से ये उम्मीद नहीं थी, जिस तरह आपने महक को साथ साथ रखा ना, और कभी को पता नहीं क्या क्या बना दी है। आई थिंक ये उम्र की एडिटिंग नहीं है, ये आपकी एडिटिंग है, उम्र ऐसा नहीं कर सकती। यस सर। अच्छा, ये सर ने खुद एडिट किया है? बहुत शौक है वीडियो बनाने का। अच्छा, ये तो फिर सर, हम ब्लॉग्स बनाते होते थे जब हम डिपार्टमेंट जाते थे ना, तो रास्ते में हम ब्लॉग्स बनाते जाते थे। तो बस फिर सारे आज काबू आ गए ना, आज काम आ गए सारे। चले जी सिद्धरा, अब आप अपना साइकोसिस दोबारा से शुरू करें जीरो से, क्योंकि हमने वो तो सिर्फ आपको डाइवर्जन दी थी, अब आप सही शुरू करें। ओके सर, सर साइकोसिस को डिफाइन करें तो राज से एक्सक्यूज भी हो सकता है सर। नहीं 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 नहीं, ये लीवे नहीं देना बिल्कुल, ओके, ज्यादा चौड़ा नहीं करना, अपने सेशनल भी अजीज है। चले, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, करें सिद्धरा। Psychosis is basically loss of contact with reality. In other words, a severe mental disorder in which thoughts are so impaired that contact is lost with external reality. Symptoms mein psychosis ke hamare paas delusion, hallucination, thought disorder and aggression aa jaate hain. डिल्यूजन को उर्दू में खब्त कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि रियलिटीज को जुटला के हकाइक को जुटला के फॉल्स बिलीव्स कायम कर लिए जाते हैं, और उन और जो फर्द होता है वो उनको किसी भी सूरत बदलने पे तैयार नहीं होता। फॉर एग्जांपल, उसको लगता है कि लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, घर वाले या अहबाब उससे हसद करते हैं, या इन अदर कंडीशंस वो खुद को समझते हैं कि वो कोई आला मखलूक है। सर, टाइप्स डिल्यूजन की बेसिकली तीन टाइप्स हैं। डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन, में खबते अजियत इसको कहा जाता है। इस टाइप में फर्द को ये बिलीव हो जाता है कि लोग इससे तकलीफ दे रहे हैं, इससे जहर देने की कोशिश की जा रही है, उसको लगता है कि इसको गला दबाकर इसको कत्ल कर दिया जाएगा। सॉरी, एक सेकंड, मैं यहाँ पर रुकूंगा। ये वाला जो भी आप बता रही हो, इसका मेडिकल नेम क्या है, याद है आपको? सर, डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन, इसका आम उर्फ आम में इसको किस नाम से याद किया जाता है? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई दिस? क्यों कलीम, इससे जो भी डिल्यूजन की ये बात कर रही है, इसका मेडिकल नेम आप किसी को आइडिया है, या जनरल नेम जो यूज किया जाता है? नहीं, तो याद नहीं आ रहा। शिज़ोफ्रेनिया का नाम सुना कभी किसी ने? यस सर, शिज़ोफ्रेनिया। और यस जी, मेल शिज़ोफ्रेनिया के आगे में हर काफी किस्में हैं वो। हाँ, लेकिन दिस इज द वे, दिस इज हाउ शिज़ोफ्रेनिया वर्क्स। का बंदा ये समझता है कि यार, मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, बल्कि मेरा कजन भी लगता है, सेकंड कजन, वो ही वाज अ टॉपर। ये मैंने इसलिए सिद्धरा आपको रोका यहाँ पर, बिकॉज ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूँ लोगों को कि क्यों होना चाहिए। तो वो टॉपर था, फर्स्ट मैट्रिक का भी, FSA का भी, मतलब उसकी थर्ड फोर्थ पोजिशन थी, और फिर वो अमेरिका चला गया, और बड़ा बहुत ही लायक लड़का, मतलब जीनियस जिसे कहते हैं ना वो। तो वो एक दिन ना फोन आया उसका मुझे, कोई 2010 की बात है, 2006 की बात है, 96 में वो गया था अमेरिका। एक दिन फोन आया मुझे, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, मुझे बचा लो, पूरी FBI, पूरी अमेरिका की फौजें, सब आर्मी, सब मेरे पीछे लगे हुए हैं, और मैंने रिसर्च कर दी थी, मैंने कोई कोड ब्रेक कर दिया, एंड दे ऑल वांट टू किल मी। मैं कहा है, अब हमें समझ ना आया, हमने कहा क्या हुआ। खैर, वो उस वक्त फिर मैंने फर्स्ट टाइम शिज़ोफ्रेनिया को स्टडी करना शुरू किया था कि ये होता क्या है। तो वो इस हद तक शिज़ोफ्रेनिक हो चुका हुआ है कि उसको अपने माँ बाप से भी लगता है कि उसको मार देंगे। ये दिस इज द एक्सट्रीम। सो एनीवेज, प्लीज गो अहेड सिद्धरा। सर, डिल्यूजन की एक और टाइप है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, खबते अजमत इसको कहा जाता है। सर, इस टाइप में वो खुद को सुपरमैन या हीरो समझता है, उसको कभी कभी लगता है कि वो कोई अजीम साइंसदान है या फरिश्ता है। इसकी थर्ड टाइप है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, खबते हवाला। इस टाइप में फर्द को लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अगर कोई बात कर रहा हो तो उसको लगता है कि उसके खिलाफ बात हो रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। इवन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको यही लगता है कि न्यूज़पेपर में भी उसको निशाना बनाया जा रहा है।
सर दूसरा इसका सिम्टम जो है वो हेलुसिनेशन परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद नो रियलिटी यूजुअली ड्यू टू नर्वस डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि माहौल में गैर मौजूद अशिया का जो तासुर होता है उसको वहामा बोलते हैं. जिस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऑडिटरी जो हेलुसिनेशन है उसका होता है, उसको होता है कि उसको गालियाँ दी जा रही हैं, उसको कॉपी किया जा रहा है. इसके अलावा साइकोसिस के दूसरे भी सिम्टम्स हैं जिसमें डिप्रेस्ड मूड, एंजाइटी, सस्पिशियसनेस, विदड्रॉ फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स शामिल हैं. इसके अलावा 12-23% लोग इस तरह के हैं जो अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे साइकोसिस सफर होते हैं. जो दूसरी टर्म हमारे पास है दैट इज क्रिमिनैलिटी. क्रिमिनैलिटी को हम डिफाइन करते हैं द क्वालिटी और द स्टेट ऑफ बीइंग क्रिमिनल. दूसरे वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं द बिहेवियर दैट इज कॉन्ट्रेरी टू क्रिमिनल लॉ मीन्स बीइंग इलीगल. अगर हम इनकी एसोसिएशन को देखेंगे साइकोसिस और क्रिमिनैलिटी की एसोसिएशन क्या है, सर एक रिसर्च पब्लिश की गई थी क्लिनिकल साइकोलॉजिकल साइंस में जेनिफर स्कीम और उनके क्लीग्स ने. जेनिफर स्कीम वाज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. उन्होंने एक इन्होंने क्रिमिनैलिटी और साइकोसिस का रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया था इसमें. और उन्होंने जो कंक्लूजन दिया था वो ये दिया था कि मेंटल इलनेस और वायलेंस आर क्रिमिनैलिटी का रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, इनकी एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग नहीं है एज वी माइट थिंक. और इस रिसर्च में उन्होंने क्या किया था कि 1000 वायलेंट ऑफेंडर्स लिए थे, उनका इंटरव्यू किया गया था जब वो रिलीज हुए थे जेल से. एक साल में उनका हर 10 वीक्स के बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता था और वो इंटरव्यू जो था वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू था जिसमें जो जो ऑफेंडर्स थे वो फिजिकल इंजरी, सेक्सुअल असॉल्ट और वेपन्स के यूज में इन्वॉल्व थे किसी न किसी तरीके से. उसके और जो उनके उन ऑफेंडर्स का डाटा कलेक्ट किया गया था उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स पे था और डिसऑर्डर्स पे था. इसके अलावा उनके कॉग्निटिव बिहेवियर्स और प्रॉब्लम बिहेवियर्स को भी उसमें डिस्कस किया गया था, उनको उनके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया था. सर एक्सपर्ट्स जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मोस्ट ऑफ द वायलेंट एक्ट्स आर कमिटेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर्स. और इस स्टडी ने यही शो किया था कि 10% जो इंडिविजुअल्स थे रिस्पॉन्सिबल थे 50% ऑफ द वायलेंट इंसिडेंट्स के दैट अकर्ड इन द ईयर आफ्टर द ऑफेंडर्स वर डिस्चार्ज्ड. और उन रिपीटेड ऑफेंडर्स में से हाफ वो थे जो साइकोसिस से मींस डिल्यूजन और हेलुसिनेशन से ड्यूरिंग द ईयर सफर हुए थे. तो क्रिटिकली हम ये कह सकते हैं कि 12% जो वायलेंट इंसिडेंट्स थे 12% only incidents जो थे वो psychosis की वजह से हुए थे. और इसके अलावा जो उन्होंने स्कीम और जेनिफर स्कीम और उनके क्लीग्स ने एक कंक्लूजन दिया था कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जिस तरह से इनको ये जो वायलेंट ऑफेंडर्स होते हैं. सर उन्होंने एक बात कही थी कि एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो है रिपीटेड वायलेंट ऑफेंडर्स जो है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है बजाय इसके कि उनको दूसरे ट्रीटमेंट्स दिए जाएं. सर द स्टेट ऑफ नॉलेज सजेस्ट दैट क्राइम एंड वायलेंस आर एसोसिएट विद नंबर ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. बहुत सारे इस तरह के वेरिएबल्स हैं जिसमें एज, जेंडर, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस. इसके अलावा जैसे सब्सटेंस यूज है, हिस्ट्री ऑफ एंटी सोशल एंड वायलेंट एक्ट्स हैं, ये सब जो है क्रिमिनैलिटी या क्राइम के काजेस हैं जिसमें एंगर और हॉस्टिलिटी. सर इसके अलावा एक पॉइंट है कि हम जब रिसर्च करते हैं या फिर पढ़ने मतलब क्राइम के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें इमोशनल कॉम्पोनेंट जिसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है इनको एक मेन काज बताया जाता है इसकी क्राइम कमिट करने की. लेकिन एक एंगर जो है रिसर्चर्स ने ये कहा था कि जो एंगर है इसको हमेशा लाइट लिया जाता है, हालांकि ये लाइट लेने की चीज नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो एंगर की उस पे कमिट होते हैं. सर मार्क ट्वेन एक राइटर हैं, उन्होंने यस सर उन्होंने कहा था कि एंगर इज एन एसिड दैट कैन डू मोर हार्म टू द वेसल इन विच इट इज स्टोर्ड देन टू एनीथिंग ऑन विच इट इज पोर्ड. तो सर कंक्लूजन में मैं यही कहूंगी कि रिलेशन बिटवीन साइकोसिस एंड क्रिमिनैलिटी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वी माइट थिंक. ओके गुड जॉब सिद्रा.
वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा. साइकोसिस देखिए मेंटल डिसऑर्डर्स जो है ना वो उसमें तो वो तीन टाइप्स आती हैं. एक मेंटल डिसेबिलिटी जिसे कहा जाता है मेंटल डेफिशिएंसी, एक साइकोसिस और तीसरी है साइकोन्यूरोसिस. साइकोन्यूरोसिस के बारे में आपने बात की कोई? नो सर. पढ़ा आपने साइकोन्यूरोसिस को? नो सर मैंने नहीं पढ़ा इसका. ओके चलें ठीक है. अभी फिर हम आपका साइको एंड में करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस, पहले बाकी दोनों का भी देख लेते हैं. लेकिन इन जनरल एक्सीलेंट वेरी गुड. इसमें एक और भी चीज जो मैं चाहूंगा कि वो आप इसमें ऐड कर लें. चलो मैं पहले बाकियों का करते हैं फिर मैं आप लोगों को सबको एडिशन सबट्रैक्शन बताता हूं हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है. ठीक है तो गुड जॉब सिद्धा. चलें जी नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है जी नाजिया. छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मेरे पास जो टॉपिक है वो है न्यूरोटिक क्रिमिनल्स. तो सबसे पहले तो मैं टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और इसका बैकग्राउंड, और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव जो इसका पॉजिटिव सिनेरियो है वो पहले बताऊंगी और उसके बाद इसको डिफाइन करके और विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी. टर्म जो है दिस टर्म इज यूज्ड इन मिड 19th सेंचुरी टू कैटेगराइज सिम्टम्स. और ये जैसे एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन ड्राइव्स इंपल्सेस एंड मोटिव्स हेल्ड विद इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड. कि ये हमारे माइंड के अंदर जो भी कोई किसी किस्म की कोई रिएक्शन होता है, जैसे कोई हम परेशानी वाली चीज देखते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ कोई ना कोई फीलिंग्स डेवलप होती हैं. तो उसके अंदर जब कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है तो वो या तो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाता है या नॉर्मेलिटी की तरफ चला जाता है. तो पहले तो इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन जब एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट था सिगमंड फ्रॉयड, उन्होंने जब साइकोएनालिटिकल थ्योरी प्रेजेंट की तो उन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ एन अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है विच अमंग अदर फंक्शंस दैट एक्ट एज अ रिपोजिटरी फॉर रिप्रेस्ड थॉट्स फीलिंग्स एंड मेमोरीज that are disturbing or otherwise unacceptable to the conscious mind. कि जब भी कोई चीज देखता है, कोई किसी किस्म का कोई incident है, कोई event है या कोई feelings है, उसमें जब react करना होता है mind ने तो एक defensive mechanism होता है. जैसे हम देखते हैं कि कोई कहते हैं कि जी कोई business man है, उसको कहीं loss हो गया और वो उसको heart attack हो गया, ये सुन के कि मुझे बहुत loss हो गया है तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है. क्या है कि जब उसने वो इतनी परेशानी देखी तो उसके अंदर जो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था उसके माइंड में, वो जब फेल हो जाता है, जब वो ब्रेक हो जाता है तो कुछ और हो जाता है. तो जो न्यूरोटिक पीपल होते हैं उन वो बहुत हार्मफुल भी नहीं होते और बहुत, लेकिन कहीं जाके वो डेंजरस भी हो सकते हैं कि वो क्रिमिनल की तरफ, क्राइम की तरफ आ जाएं. और कहीं ऐसे होते हैं कि वो इतना उससे प्रेस हो जाते हैं, कह लें कि जैसे वो हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाते हैं. और कहीं वो ऐसी हरकतें करते हैं जो एबनॉर्मेलिटीज में आती हैं, वो नॉर्मल बिहेवियर में नहीं आती. तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि न्यूरोटिक बिहेवियर जो है उसको अक्सर लोग यूज करते हैं, यू आर न्यूरोटिक, यानी इसको एज अ इंसल्ट एक सेंटेंस यूज किया जाता है, पागल है तू इस तरह से. तो वो न्यूरोटिक पर्सन जो होते हैं वो एज अ इंसल्ट किसी को लोग इंसल्ट करने के लिए कहते हैं कि यू आर न्यूरोटिक. तो इसकी मैं कुछ पॉजिटिव बिहाइंड न्यूरोटिसिज्म, कुछ पॉजिटिव चीजें जो हैं वो पहले एक्सप्लेन करूंगी. कि रिसर्चर जो रिचर्ड जिनबर्ग था, ही डिस्कवर्ड दैट न्यूरोटिक पीपल आर आल्सो हाईली सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक. They might be vulnerable to anxiety and depression, but they also pick up on their friends' feelings and want to help them. Neurotic does not make you bad. It's a way of operating. कि neurotic person जो है बस उसका behavior है कि वो कोई भी चीज़ उसको feel करता है बहुत ज़्यादा, चाहे वो उसको, वो अगर खुद उस
उसको चीजों को फील करके वोलेटाइल से या वल्नरेबल तरीके से उसको रिएक्ट करता है, लेकिन ऑन द अदर साइड वो अपने फ्रेंड्स की फीलिंग्स को भी समझता है क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव होता है चीजों के, तो वो अपने फ्रेंड्स की तकलीफ को भी समझता है और वो ज्यादा जल्दी फील करता है और उनकी हेल्प भी करना चाहता होता है। ये तो थी एक पॉजिटिविटी बिहाइंड द न्यूरोटिसिज्म। मैं इसको डिफाइन करूंगी कि न्यूरोटिसिज्म कैन बी डिफाइंड, बीइंग न्यूरोटिक इज बेस्ट डिफाइंड बाय बिहेवियर। फ्यू एग्जांपल कैन बी हार्मलेस बट अदर कैन बी डेंजरस, सो डोंट स्वेट इट। आफ्टर ऑल रिकॉग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग इट। कि जस्ट आपका बिहेवियर है जो आपको न्यूरोटिक बनाता है या नहीं बनाता, और न्यूरोटिक पर्सन नॉर्मल होते हैं, वो यानी इस तरह नहीं होते कि उनकी याददाश्त गुम हो जाए और वो पागल हो जाए, ये चीज उनमें नहीं होती। बट वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि गिल्टी फीलिंग्स होती हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको वो एक्सट्रीम पे अगर चली जाए तो वो न्यूरोटिसिज्म की तरफ चला जाता है। Freud and Joseph Breuer observed that the person is protected from experiencing anxiety directly by the development of defensive mechanisms, which are learned through family and cultural influences. Emotional attachment with analyst, यानी जब वो किसी अगर analyst के पास भी जाता है, उसके साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, अगर उसको किसी साइकेट्रिस्ट कंसल्ट करता है, या उसकी जो कल्चर है या एनवायरनमेंट है वहाँ, यानी उस वो जो भी किसी भी एनवायरनमेंट में रहता है, जब चीजों को देखता है या अपना जो उसका एक लाइफस्टाइल है, जस्ट उसका जो रिएक्शन है, अगर उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है, वो कोई एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाता है, देन वही पर्सन न्यूरोटिक हो जाता है। और उसी वही पर्सन अगर एक तरफ थोड़ा सा उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म स्ट्रांग है और वो किसी परेशानी वाली चीज को देखता है या किसी बहुत ज्यादा कोई खुशी उसको मिल गई है उस पर वो नॉर्मली रिएक्ट करता है, तो वही एक नॉर्मल पर्सन है, और अगर वो नॉर्मल रिएक्ट करता है तो वही न्यूरोटिक पर्सन है। तो ये क्रिमिनल नहीं होते, कहने का मकसद ये क्रिमिनल नहीं होते, लेकिन जब एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं, जैसे अगर उन्होंने कोई परेशानी की खबर सुनी है तो हिस्ट्रिया का दौरा पड़ गया और चीखना चलाना, तो ऐसे तो वो उसी उसमें वो किसी को कोई चीज उठा के मार भी देते हैं, मर्डर कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, वो ही पर्सन क्रिमिनल बन जाएगा, जस्ट उसका बिहेवियर है। और इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो 20 एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूरोटिक पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं और एक्सप्लेन करती हैं, और उसमें से कुछ जो है वो हार्मफुल हैं और कुछ जो है वो नॉर्मल लोगों में है, वो न्यूरोटिक होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो अपनी जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर वो चल फिर रहे होते हैं और बिहेव कर रहे होते हैं। तो मैं आपके सामने 20 एग्जांपल्स रखूंगी और उसके साथ साथ उनका बिहेवियर भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करना चाह रही हैं या ऐसे ही बताएंगी? No, sir. जी सर, इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है जनरल इरिटेबिलिटी की। तो वो रूटीनली कंप्लेंट अबाउट माइनर थिंग्स, मतलब कोई छोटी सी अगर कोई माइनर सी चीज है तो उसको वो इश्यू बना लेते हैं। जैसे एक पर्सन अपने फ्रेंड्स के दरमियान बैठा हुआ है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है या ऐसे, तो वो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि ये यार मेरी ये टाई ठीक है, ये मेरे ये कपड़े ठीक लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने फिर तला से पूछा, तला ये मेरे यार ये कोट ठीक लग रहा है। मतलब एक कोई छोटी सी चीज को वो इतना यानी इरिटेट कर देता है अपने फ्रेंड्स को, तो कहते हैं कि यार ये क्या है ना। कुछ होते हैं हम में से, वो वैसे नॉर्मल होते हैं, वो यानी वो अच्छे लायक भी होंगे, वो खुश अखलाक भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई ऐसी हरकत कर रहे होते हैं कि वो आपको इरिटेट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ न्यूरोटिसिज्म। कंप्लेनिंग अबाउट फिजिकल सिम्टम विदाउट अ मेडिकल काज। जैसे एक बंदा अक्सर घरों में होता है कि खवातीन ने ऐसे ही सर बंधा होता है, मेरे सर में बहुत दर्द है ना,
तो अब ना तो वो नजर आ रहा है सर दर्द और ना ही वो फील किया जा सकता है। तो बस उसने ना हर वक्त उसने अपनी फ्रेंड को भी फोन किया है ना सहेली को, तो वो कहती है आज ना मेरे सर में बस सारे दिन से दर्द है, कोई किसी ने बात कर ली कुछ पूछ लिया बस हर वक्त मेरे सर में बड़े ही दर्द है। यानी कोई भी छोटी सी हर वक्त बस उसको कम ऐसी वो चीज को फिर उसने वो बार बार रिपीट करना है कि जिसका कोई मेडिकल काज भी नहीं है, कोई उसका हल भी नहीं है, वो नजर भी नहीं आ रहा, बस उसने सर पे सवार किया हुआ है कि मुझे सर दर्द है। तो वो क्या करता है कि वो अपने एनवायरमेंट में लोगों को इरिटेट करता है। नंबर थ्री है रोड रेज। जैसे लोग रोड पे जा रहे हों तो खाम खाई ऐसे किसी को छेड़े जाएं, को टक्कर मार जाएं। जैसे आपने एक एग्जांपल दी तो एक बच्चा था तो उसने वो स्टार्ट कर लिया कि पहले ऐसे ही किसी को वो मोटरसाइकिल पे जाते छेड़ जाता था, फिर कभी किसी का पर्स छीन लिया और फिर फेंक दिया और फिर आगे वो बढ़ता गया और फिर वो डकैती की तरफ चला गया। तो इस तरह ऐसे ही रोड पे जाते हुए खाम खा जानबूझ के इशारा क्रॉस कर देना, इशारे पे ना रुकना, किसी को वैसे ही हॉर्न मारते जाओ, यानी ये भी जो चीजें होती हैं ये उसकी मेंटल कंडीशन को शो कर रही होती हैं कि वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, वो सुकून से नहीं चल रहा रोड पे, उसने लोगों को इरिटेट करते जाना है, बस वो उसके बस में नहीं है, जानबूझ के उसने मिस्टेक करनी है कि टू मेक अ शो। नंबर फोर है एंजाइटी अबाउट योर चाइल्ड सेफ्टी। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ये वो उसने बताया कि ये ऐसी टाइप होती है जिसमें एक रिस्पॉन्सिबल बंदा इस तरह की जो है उसकी कंडीशन होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए वो इतना कॉन्शियस हो जाता है कि जैसे अगर पेरेंट्स हैं तो वो उनके पास अगर वो बच्चा है और वो उसको बस ये गिर ना जाए, ये इसको अच्छा बस ऐसे ऊपर सही होकर बैठो, इधर बैठो, ये कपड़े गंदा हो जाएगा, ये इसका मुंह साफ कर दो, इसका नाक साफ कर दो, यानी वो अपने बच्चों को इस तरह से कर देते हैं कि वही बच्चे जो हैं वो यानी बहुत ऐसे मिजरेबल और सेल्फ कॉन्शियस चिल्ड्रन, एज अ रिजल्ट वो सेल्फ कॉन्शियस चिल्ड्रन डेवलप होते हैं कि वो अपने बच्चों को, आपने देखा होगा हमारे अक्सर फैमिलीज में, मैंने गांव में खैर एक फैमिली को देखा कि जो लोग पेरेंट्स इस तरह के होते हैं कि उनके अगर कपड़े को हाथ लग जाए ना तो वो कहते हैं ये नापाक हो गए, वो लोगों से दूर दूर रहते हैं, जूठे ग्लास में पानी नहीं पीना, ओके जी पता नहीं ये शायद कहीं ना पाक हो गया, अपनी चारपाई पे बैठने नहीं देते किसी को कि ये हमारी बेडशीट गंदी हो गई ये बैठेगा तो, वहम जिसे कहते हैं, वहम हो जाता है उनको ना, तो वो इस तरह से अब करते हैं, यानी सेफ्टी के हवाले से या सफाई सुथराई के हवाले से इतने कॉन्शियस होते हैं कि उनके बच्चे या उनके जो फैमिली वाले जो होते हैं वो उनसे इरिटेट होते हैं, बार बार हाथ धोना या कहीं कोई बैठ के चला गया तो उसने वहां से फर्श धो देना है कि ये इसने गंदा कर दिया। इनका ओसीडी के साथ कोई ताल्लुक है सर? ओसीडी मीन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा चलें कोई मसला नहीं, आप चलती हैं, मैं फिर बाद में इसको डिस्कस करते हैं। जी सर ऑब्सेसिव तो होते हैं ना, ये इनकी टाइप है ना सर। यस सर एंजाइटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव जो है इनका ये कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही तो है, वरना तो ये वैसे नॉर्मल होते हैं अपनी लाइफ में, वैसे नॉर्मल हैं, बस कोई एक चीज इन्होंने उसको पीक पे लेके चले जाना है, किसी एक चीज को पकड़ लेना है। जी सर। तो नंबर फाइव पे हमारे पास है बीइंग ओवरली अवेयर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि इनको पता भी होता है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है लेकिन ये ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि उनको बार दफा पता होता है कि मैं नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो अपने आप को जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं मुझे अगर है कि ये चीज मैं थोड़ा ज्यादा फील करती हूँ, बाकी क्लास भी तो बैठी हुई है, मुझे ये चीज क्यों इस तरह से इरिटेट कर रही थी, सब लोग तो आराम से बैठे हुए थे फॉर एग्जाम्पल, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो फिर वो लोग ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते बल्कि वो जानबूझ के वो इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट किए रखते हैं, वो कहते हैं कि चलो जी ठीक है। नंबर सिक्स पे है इमोशनल डिस्ट्रेस ओवर एवरीडे इवेंट्स। जैसे लेडीज में अक्सर ये होता है कि उनका अगर ये नेल्स बढ़ाने का शौक होता है लेडीज को, तो कभी एक नेल टूट जाए ना तो बस सारा दिन वो लगी देंगी कि मेरी फिंगर का जो नेल है ना वो टूट गया। जानते हैं कोई किसी को? बहुत सारों को, फिक्र ना करें, मैं तो इस तरह के बहुत केसेस करता हूं।
तो हम लेडीज को मैं बात करी कि लेडीज भी मैंने अक्सर देखा है हमारी फ्रेंड्स होती हैं, जैसे उसने अगर वो नेल पॉलिश लगा ली है और कहीं से नेल पॉलिश उतर गई है ना, तो उसने कॉन्शियस रहना सारा दिन कि यार ये ना मेरी ये नेल पॉलिश, ये मेरे जूते की ये इस तरह से हो गई है, तो पत्नी मेरी पर्सनैलिटी में ना बहुत ज्यादा कुछ हो गया कि यहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो एक नेल भी अगर उसका टूट गया और उसने बढ़ाया हुआ था तो उसने कहना कि ये बस बड़ा लॉस हो गया, तो वो उसको अपसेट हो जाता है। ये नहीं है कि वो जस्ट कहेगी, वो बकायदा अपसेट हो जाएगा वो पर्सन, किसी छोटी सी अपनी कोई छोटा सा इवेंट अगर उसके साथ हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगा। नंबर 7 पे है गिल्टी बिहेवियर। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी तो नंबर 7 पे है गिल्टी बिहेवियर। इसमें पीपल हु आर प्रोन टू न्यूरोटिक बिहेवियर ऑफन शोइंग साइंस दैट दे आर फीलिंग एक्सेसिव गिल्टी ओवर थिंग्स दैट आर नॉट देयर फॉल्ट, के उनका वो फॉल्ट भी नहीं होता लेकिन वो कहते हैं कि शायद ये मेरी ही वजह से हुआ है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो अगर घर से बाहर कोई जा रहा है और उसने उसको जाते हुए कोई बात कह दिया और खुदा ना खास्ता वहां उसकी अपनी किसी गलती की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है या किसी से झगड़ा हो गया है, तो वो बंदा कहेगा कि सुबह मैंने इसे ऐसे कहा था लिहाजा ये मेरी वजह से हुआ है। तो उस पर बहुत ज्यादा किसी अपनी गलती ना भी हो और वो गिल्टी फील कर रहा हो कि जी ये मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। ऑब्सेसिव थिंकिंग एंड रूमिनेटिंग, ये आपने अभी कह दिया कि कुछ लोग ऑब्सेसिव थिंकिंग उनकी होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं उसको लेके। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9 है परफेक्शनिज्म। ये भी मैंने थोड़ा सा बताया पहले परफेक्शनिज्म के बारे में कि उनको अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा होता है कि मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ। यूजली स्पेंड मोर टाइम देन नेसेसरी कंप्लीटिंग टास्क, के जैसे अब तला भाई को एक ड्यूटी दी गई है तो उन्होंने कहना है क्लास हो गई है ये सारा मैनेज हो गया ठीक है इट्स ओके, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ऑफिसर या कह लें वर्कर्स कि उन्हें होता है कि शायद ये सही में यानी बहुत एफिशिएंट और वो कहते हैं कि नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं कि परफेक्ट नजर आए सब कुछ हर चीज के बारे में, यानी बहुत कॉन्शियस हो जाना। तो ये न्यूरोटिसिज्म में आता है। अब ये वही टाइप है कि ये हार्मफुल नहीं है, ये क्राइम नहीं है, लेकिन इतना ओवर रिएक्ट यानी इतना उसको ओवर थिंकिंग जो है वो कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, वो उस फिर उसका रिजल्ट किसी और शक्ल में निकलता है। ये तो ठीक है लेकिन वो क्या होता है, वो बंदा इतना स्ट्रेस में होता है या थक जाता है कह लें ऐसे कि मे बी उसका बिहेवियर अपने बच्चों के साथ खराब हो जाए इसी वजह से कि वो उस परफेक्शनिज्म में ऑफिस में वो इतना बिजी रहा कि वो अपने बच्चों के लिए एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। डिपेंडेंसी, कुछ लोग होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे। सीधा मैं मुझे ना समझना, कुछ लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि मुझे महक की वो बना के दे दे स्लाइड्स और मैं बस उसको प्रेजेंट कर लूं, मुझे ना बनानी पड़े बस हो जाए काम। कम जवान दी मौत है। हाँ तो किसी पे डिपेंड करना यानी लेजी रहना और खुद काम ना करना कि मुझे कोई गिलास पानी गला दे तो मैं पी लूंगा, यानी बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंड करना भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। ट्रबल गेटिंग अलोंग वर्क अलोंग एट वर्क, कि कुछ लोग होते हैं वो जानबूझ के रिस्क लेके काम करते हैं, यानी वो जैसे वो कहते हैं पहले से अगर उन्होंने एक कुआं खोदना है तो वो उसको प्लान नहीं करेगा, वो कहेगा कि देखते हैं ना फिर देखा जाएगा क्या होता है, तो वो चाहे वो खुद ही गिर जाए बीच में। तो इस तरह से करके वो क्या कहते हैं कि उसको आदत होती है कि उसने बस रिस्क लेना है, रिस्क लेके काम करना है। जैसे वन व्हीलिंग लोग करते हैं कि उसमें रिस्क है, मौत का खेल है लेकिन लोग करते हैं। उसने कहा कि मैंने करना है, आगे देखा जाएगा मैं मरता हूँ या जीतता हूँ। तो ये न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज होती हैं। नंबर 12 है जी डिफिकल्टी टेकिंग केयर ऑफ बेसिक नीड्स। अब इसका एक्सप्लेन कर दूं या मेरे ख्याल है इसको कर दे क्योंकि 20 टाइप्स हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। जो रूटीन रूटीन पर्सनल केयर टास्क होते हैं लाइक बेडिंग है, ग्रूमिंग है, उसके हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना। जैसे कुछ लोग नहाने जाते हैं ना तो वो नहाते ही रहते हैं, बहुत देर लगा देते हैं नहाने में, तो वो न्यूरोटिक पर्सनैलिटी है। वो उसको मतलब एक मुश्किल टास्क बना लेते हैं। नंबर 13 है जी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स,
कि जैसे अभी सिद्रा ने एक्सप्लेन किया कि उनके रिलेशनशिप में वो यही होता है कि जैसे वो बीवी समझती रहेगी कि मियाँ जो है वो बस मेरा ख्याल नहीं कर रहा, ये मुझे मारना ही चाहता है, ये मुझे तकलीफ देना चाहता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे. कभी मियाँ को ये हो जाएगा कि जो मेरी वाइफ है बस वो मेरे साथ फेयर नहीं है, या पत्नी ये तो बस मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती इसके साथ. सिर्फ इस जस्ट रिलेशनशिप इस तरह नहीं, फ्रेंड्स के साथ भी होता है बार दफा कि वो फ्रेंड्स में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये फ्रेंड शायद मेरा मजाक बना रहे हैं, ये हंस रहे थे तो ये मेरी ही बात करके हंस रहे होंगे. तो मतलब उस तरह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी इस वजह से होती हैं कि वो न्यूरोटिक पर्सनैलिटी होती है जिससे वो इस तरह के, या फिर उनका वैसे कोई ब्रेकअप हो जाता है, मियाँ बीवी में कोई नाराजगी हो जाती है, फ्रेंड्स में कोई नाराजगी हो जाती है, या ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन और उसमें इतना वो चले जाते हैं कि यानी वो खुद ही कह लें कि एविडेंस भी उनके पास कोई नहीं है कि ये लोग मुझे बुरा ही समझ रहे होंगे या मैं मेरी ही गलती थी, लेकिन वो फिर भी उसके बारे में बहुत ज्यादा उसको एक्सट्रीम पे लेके चला जाता है, उसको अपने लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम कर लेता है कि उसको हिस्ट्रिया के दौरे भी पड़ सकते हैं, वो उसी चक्कर में कोई किसी का मर्डर कर सकता है, किसी को जहर दे सकता है, इवन के जैसे लोग चोरियां करते हैं तो वो भी होता है कि अगर उसने किसी के पास कोई चीज देखी है, कोई फ्रेंड्स के पास फॉर एग्जांपल कोई एक बुक की है और उस बात पे झगड़ा हो गया कि ये या मोबाइल है ये मेरे पास होना चाहिए था, तो वो उसको चोरी कर लेगा कि ये इस मोबाइल की वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ है और इसी वजह से झगड़ा हुआ है या ऐसे, तो वो यानी उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर में कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है जो क्राइम हो सकता है, ही इज नॉट क्रिमिनल, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो ऐसी हरकत जब करेगा कि उसी हिस्ट्रिया में या एंजाइटी में डिप्रेशन में वो ऐसी हरकत करेगा कि वो क्राइम बन जाएगा. नंबर 14 है बीइंग अ ड्रामा क्वीन. जैसे कुछ लोग ड्रामा करते हैं बहुत ज्यादा, कुछ छोटी सी बात हो जैसे लड़कियां छिपकली देख लेती हैं तो वो कहती हैं कि बस वो दीवार पे है तो खा जाएगी हमें, तो यानी ड्रामा क्वीन बनना, तो ये भी न्यूरोटिक पर्सनालिटीज होती हैं, जस्ट टू मेक अ शो इस तरह की हरकतें करना. नंबर 15 होता है एक्सेसिव सैडनेस ओवर माइनर इवेंट्स. जैसे मैंने अभी नेल की एग्जांपल दी, तो इसमें भी ये होता है कि कोई माइनर सा इवेंट होता है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा सैड हो जाना बंदे का, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना. नंबर 16 है एनवायस बिहेवियर. एनवियस बिहेवियर. तो इसमें भी यही होता है कि यू वांट टू हैव द पोजेशन दैट अदर्स हैव, कि दूसरों के पास जो चीज है वो आपके पास भी होनी चाहिए. यू वांट टू हैव देयर अपॉर्चुनिटीज आर एडवांटेजेस. कि मैं कहूं कि तला भाई हैं जैसे सीआर हैं, तो मैं कहूं कि जी मुझे तला भाई होना चाहिए. तला भाई आपकी एग्जांपल इसलिए ज्यादा दे रही हूं कि मैं कह रही हूं जरा मैं कूल रहूं. आपकी पर्सनैलिटी में जितना वो है ना ठहराओ. आज आज नाज़िया आई एम इंप्रेस्ड फुल स्विंग में है. तो 17 पे है रिएक्टिंग नेगेटिवली टू नेचुरल इवेंट्स. तो ये भी आप देखो जैसे तूफान है वो एक नेचुरल है, उस पे किसी का बस नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ लोग बादल गरजते हैं या तूफान आता है या बारिश होती है तो कुछ लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, बारिश में बाहर निकलते हैं नहाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं उस पे, वो नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं. जैसे मतलब डर जाए कह लें, या फिर वो कहते हैं कि जैसे अगर कोई पर्सन, एक और एग्जांपल इसकी है कि जैसे कोई एक डाक आई है आपके घर में, तो उसने सोचा कि मे बी मैं इस टाइम पे हूँ कि घर वाले सो रहे होंगे, मैं डिस्टर्ब ना करूं, उसने डोर नॉक नहीं किया, जस्ट उसने डॉक रखी है, डॉक रख के और वो चला गया, पोस्ट उसने रखी है, मतलब कोई भी जो उसने चीज डिलीवर करनी थी वो रख के, तो वो वापस जा रहा है. अब क्या है कि जी घर की लेडी ने देख लिया या घर का जो वो है मालिक उसने देख लिया है और उसने उठाया, तो उसने उल्टा उसी बात पे उसको, यानी कि नेचुरल है कि उसने आपके आराम का सोचा है और उसने उसकी ड्यूटी है, उसने डाक भी डिलीवर करनी थी और वो रूटीन में आपके घर में अखबार आता है या कुछ आता है, लेकिन उसने इसी बात पे उसको डांटना शुरू कर देना है कि तुमने तुम नॉक नहीं कर सकते थे, तुम ऐसे क्यों आयो. तो इसकी इस तरह की एग्जाम्पल भी हो सकती है कि कुछ लोग खामखा ही डांटे जाएंगे, काम वालियों को डांटे जाएंगे, इवन के अगर क्लास में बैठे हैं तो खामखा वो कह देंगे कि ये जो मेरे साथ स्टूडेंट बैठा हुआ है इसने कुछ ही क्यों घुसीटी है,
ये मुझे इरिटेट कर रहा है. तो इस तरह की चीजें जो है नेगेटिवली रिएक्ट करना रूटीन लाइफ में, वो भी न्यूरोटिक बिहेवियर की तरफ जाता है. पैनिकिंग इन रिलेटिवली नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन है उसमें भी पैनिक हो जाना. थ्रेटनिंग सिचुएशंस में पैनिक होना इट्स नेचुरल एंड इट्स पार्ट ऑफ योर कहने के रिस्पॉन्स है कि इट्स नेचुरल है कि आप किसी भी कोई चीज देखते हैं थ्रेटनिंग है तो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे आप रो पड़े चाहे आप किसी को फायर मार दें. लेकिन उसको यानी उस पर पैनिक हो जाना कि कोई ऐसे नॉर्मल सिचुएशन है नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन है उस पर भी पैनिक हो जाना कि किसी के पास आप कोई बंदा पास से गुजरा है उसने बंदूक कंधे पर डाली हुई है और वो गुजर रहा है, वो तो गुजर रहा है जा रहा है, वो आपको तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसने खौफजदा हो जाना है और उसने उसको ज़हन पे सवार कर लेना है. तो ये दिस इज न्यूरोटिक बिहेवियर. नंबर 19 है डिस्प्लेइंग इमोशनल इनस्टेबिलिटी बिकॉज यू आर सो इजिली थ्रोन ऑफ बैलेंस बाय इवन द स्मॉलेस्ट इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस. You behave in unstable way. यानी emotionally instable हो जाते हैं वो लोग. सर इसमें मजीद क्या कह सकती है? ठीक है. यानी जैसे sadness है, मतलब angry हो जाना किसी बात पे, तो दिस इज इंस्टेबिलिटी इमोशंस है ना, तो उस पे इंस्टेबल हो जाना. जैसे एंगर उसको गुस्सा आना चाहिए, कोई उसको गाली दे उसको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इतना वो एक्सट्रीम पे चला जाए कि उसको जितना बिहेव करना चाहिए नॉर्मली उससे ज्यादा कर ले और वो छोटी छोटी बात पे, तो ये नहीं होता कि वो किसी एक दफा करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है. कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात पे अगर गुस्से वाली है तो उस पर इतना एंग्री हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, दैट कैन बी अ क्राइम. और कुछ जो होते हैं वो यानी सैडनेस भी अगर आती है इमोशनली सैड होना चाहिए तो वो इतना सैड हो जाते हैं कि उसे वो हिस्ट्री के दौरे पड़ने लग जाते हैं उसको, या वो उसमें कुछ ऐसा कर लेता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है. नंबर 20 है इनएबिलिटी टू फंक्शन इन एवरीडे लाइफ आफ्टर एन अनरिलेटेड ट्रॉमा. दैट यू मे हैव had terrifying experiences in a war and if the sound of firework going off trigger a relapse then you have experienced a neurotic episode. yani jaise aap koi kahin se wapas aaye hain, jaise wo pehle kehte hain ki jaise jung ki surat hal hoti hai aur wo bomb gir rahe hain aur wo awaazein aise, to us tarah ki awaazein se phir kahin aaye to kahin se dur se bhi aaye to usko hota hai ki shayad wahi koi situation ho gayi hai और वो खौफ ज्यादा हो के चीखे मारने लग जाए कि पता नहीं फिर कोई जंग छिड़ गई है और इसी तरह के वो बम गिरने शुरू हो जाएंगे. वॉर वेटरन्स के साथ ये काफी इशू होता है, जो वॉर वेटरन्स होते हैं ना उनके साथ, इवन जो आपके जो स्पेस से लोग होके आते हैं उनके साथ भी ये इशू होता है, एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी. जी जी प्लीज गो अहेड. जी और उसमें कुछ है कि हाउ बेटर हेल्प कैन हेल्प यू काम योर न्यूरोटिक बिहेवियर, कि कुछ चीजें ऐसी हैं कुछ स्टेप मैं आपसे इसके साथ शेयर करूंगी कि जो हम खुद ही अपने बिहेवियर पे गौर करके कुछ ऐसे स्टेप ले सकते हैं कि हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, हमें पता हो कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसका रिजल्ट कुछ और निकल सकता है. जैसे नंबर 1 है बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, नंबर 2 मेकिंग एन एफर्ट टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, नंबर 3 हैविंग क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नंबर 4 टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इवन वेन यू डोंट फील लाइक इट. कि अगर आप ऐसा कुछ फील नहीं भी करते तो अपने आप का ख्याल रखना कि कहीं कोई ऐसी चीज है जो मैं एक्सट्रीम की तरफ कहीं चला जाता हूँ या कुछ ऐसा, यानी वो अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें. एंड रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट इट्स नॉट वर्थ गेटिंग अपसेट ओवर माइनर नेगेटिव इवेंट्स. कि अगर वो हमारे में कोई ऐसी बात पाई जाती है, क्योंकि इवेंट्स या लाइफ इज अ इवेंट, कोई भी लाइफ है ही है कि उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, उस पे हम अपना एक्शन या रिएक्शन देखें कि हम कितने वोलेटाइल और कितने वो हो जाते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं, किस तरह का रिएक्ट करते हैं. तो हम कुछ चीजें देख के अपने ऊपर खुद ही ऐसे स्टेप लें कि हम कूल एंड काम रहें और इस तरह के बिहेव ना करें. ये न्यूरोटिक क्रिमिनल्स जैसे टॉपिक को अगर मैं देखूं तो न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज होते हैं, न्यूरोटिक बिहेवियर होते हैं, दैट
कैन लीड टू क्राइम. वो क्रिमिनल्स नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनका जो बिहेव है वो बाज दफा उनको क्राइम की तरफ ले जा सकता है. और कंक्लूजन में ये कि यू डोंट नीड टू लेट योर न्यूरोटिक बिहेवियर गेट इन द वे ऑफ अ हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ. विद द राइट टूल्स यू कैन बिगिन योर जर्नी टू बैलेंस. टेक फर्स्ट स्टेप टुडे कि इसको कहें कि इट्स नॉट अ नॉर्मल और ना ही बहुत थ्रेटनिंग है, लेकिन न्यूरोटिक होना एज अ इंसल्ट इस्तेमाल होना, न्यूरोटिक किसी को कहना, इट मीन्स के दैट इज नॉट अ गुड थिंग. थैंक यू सर. एक्सेलेंट नाजिया, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. और मतलब मैं सही बताऊँ ना तो मुझे मज़ा आप लोगों के साथ और ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम अभी होने वाली है कि मैं किसको या ना किसको किस लेवल पे वैल्यूएट करूँ. आप सारे माशाल्लाह एवरी टाइम यू प्रेजेंट समथिंग, यू गाइस डू योर एक्सरसाइज, योर असाइनमेंट्स, वन बेटर देन दी अदर. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल. शाबाश, ग्रेट. मैं जस्ट अगर मैं इसको समराइज करूँ ना नाजिया आपकी इन सारी टाइप्स को, तो इसको हम इम्पल्सिव टाइप इन वन वर्ड अगर हम कहें तो ये सब इम्पल्सिव टाइप है. ठीक है, ये इन सब के पीछे एक लफ्ज अगर हम न्यूरोटिक के ऊपर मेंशन करें ना तो वो इम्पल्सिव आता है. उसमें कुछ इम्पल्सिव है, कुछ कंपल्सिव है, लेकिन ये है कि इन जनरल जो है वो ज्यादातर ये इम्पल्सिव टाइप्स के अंदर आते हैं, ज्यादा जो डिसऑर्डर्स हैं. हाउएवर एज सेड एंड क्रीम वेरी वेल पुट, ये बोर भी नहीं हुए और एक सेकेंड के लिए भी इंटरेस्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ. और नाजिया भी कह रही थी कि मैं तैयार नहीं कर सकती, तैयारी नहीं की मैंने. नाजिया वैसे अगर तैयारी कर लेती आप तो अभी तो सिर्फ आपने तलहा और सिदरा को रगड़ा है, पता नहीं फिर तो बाकी 50-60 मुंडियां मुखड़ियां भी रगड़ देना. कसे नफ्ती से काम ले रही थी नाजिया. वही मैंने कहा ना, ये तो बोर्ड पे मेरी सर आदत है कि मैं बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. तो आपके पास तो यहाँ पर भी बोर्ड था, आप यहाँ पर बोर्ड यूज कर सकती हैं. मुझे इतनी समझ नहीं है. अरे पूछ तो लेती हैं, चले कोई मसला नहीं. लेकिन एक्सीलेंट एक्सीलेंट. एंड तलहा आपके लिए जो है ना अब ये काम मुश्किल होने वाला है, बिकॉज स्टैंडर्ड वन बेटर देन द अदर सेट हो रहा है. तो लेट्स सी अब तलहा क्या क्या जस्टिस करते हैं इसके साथ. आपकी आवाज नहीं आ रही तलहा. बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज. हल्की है, बहुत हल्की है. अभी आवाज आ रही है. हाँ अभी आवाज आ रही है. तो तस्वीर भी ले आए आप साथ. वो मुजफ्फर के लिए भी फरमाइश आई थी तस्वीर की, तो आपके लिए भी तस्वीर की फरमाइश आ जाएगी. सर क्या ये खुला तादाद नहीं? ये है क्या कहते हैं तला भाई, इतने टाइम से आपको देखा नहीं ना, तो फिर जाहिर है हमारा तो गुजारा चल जाता है ना. हम तो उधर भी बुरके में ही होती हैं. देख ले तला, इसलिए अब जो है ना ये अब आपकी डिमांड ज्यादा है. बस फिर वीडियो हैज डिमांड. चलिए बिस्मिल्लाह करें. अभी मजीद सर मैं क्या जस्टिस करूं, मेला तो लूट लिया मैडम ने. लेकिन I'll try to do whatever I have. सर माय टॉपिक इज क्रिमिनल बिहेवियर इन मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स. तो इसमें सर स्टार्ट में हम पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन इज इन सिंपल इनएजुकेट मेंटल डेवलपमेंट. वो मेंटली इतना डेवलप नहीं होता. स्टार्ट मेंटली मेंटल डेवलपमेंट से मतलब उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट कम हुई होती है नॉर्मल इंडिविजुअल से, और उसकी वजह से उसके डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं. वो चाहे इसके हों, वो बोलने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी फर्क पड़ सकते इम्पेयर हो सकते हैं, और मेंटल एट्रीब्यूट्स भी, मोटर स्किल्स भी और सेंसरी स्किल्स भी, दोनों के दोनों उससे अफेक्ट होते हैं. उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन की टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स जो WHO में डिक्लेयर की हैं, उनमें चार मेन टाइप्स हैं: माइल्ड रिटार्डेशन, मॉडरेट, सिवेयर एंड प्रोफाउंड. इसमें जो सबसे बेसिक जरिया है इसमें उसको पता करने का, वो उसको IQ के लिहाज से देखते हैं. और
कुछ लोग इसको मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, आईडी के नाम से उसको वो करते हैं। तो आईक्यू के लिहाज से वो जो करते हैं उसकी जो सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें माइल्ड रिटार्डेशन वाले लोग जो होते हैं दे आर मोर और लेस नॉर्मल पीपल। उनके अंदर जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड किस्म की बच्चे के अंदर चीजें होती हैं वो थोड़ी डिले के साथ आती हैं, डिलेड स्पीच होती है, डिलेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स होती है, मतलब शुरू में ये फील होता है कि वो शायद वो कोप अप नहीं कर पाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना भी शुरू कर देता है और बाकी काम भी कर देता है। जो सबसे ज्यादा एविडेंट होता है माइल्ड रिटार्डेशन वाले लोगों में वो ये कि वो जब स्टडीज के लिए जाते हैं या कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उनके सामने पेश होती है तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या आम लोगों की तरह उनके साथ नहीं चल पाते। इनका आईक्यू 50 से 70 तक एज पर WHO ये कंसिडर होता है, और ये बाकी सब कुछ मोस्टली इन देयर लाइफ अडल्ट होने के बाद खासतौर पर दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। जो रूटीन के लाइफ के जो जितने भी काम हैं, चलना फिरना, बात करना, लोगों को अपनी बात समझाना, ये मोस्टली ये कर पाते हैं। उसके बाद मॉडरेट रिटार्डेशन वाले हैं, मॉडरेट रिटार्डेशन वालों का आईक्यू 35 से 49 तक होता है, और इनके अंदर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती हैं। ये स्टडीज़ के अंदर और तकरीबन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो 10-20% तक आ जाती है, और बाकी इन लोगों को ये अंडरस्टैंड भी नहीं करवा पाते अपनी बातों को, और आहिस्ता और अपने ऊपर जो इनका कंट्रोल है मोस्टली दे आर डिपेंडेंट इवन इन देयर अडल्ट लाइफ। लेकिन ये इट इज़ इन बिटवीन माइल्ड एंड सिवियर रिटार्डेशन, तो इसमें कुछ केसेस ऐसे जरूर हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लेकिन अदर सिम्टम्स। सिवियर रिटार्डेशन में ये है कि उनका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, और उनका आईक्यू 20 से 35 तक होता है। उनको रूटीन की चीज़ें भी समझ नहीं आती हैं, वो अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत से लोगों में लैंग्वेज डिसऑर्डर भी होता है, वो बोल भी नहीं पाते। एक तो है कि वो अंडरस्टैंड ना करवा पाए किसी को, वो बोल भी नहीं पाते। और उसके बाद प्रोफाउंड डिसऑर्डर है, प्रोफाउंड डिसऑर्डर वाले बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते, टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर। ये एक जनरल सा इसका सर इंट्रोडक्शन था मेंटल रिटार्डेशन का। मेंटल रिटार्डेशन के बाद हम उस पर आएंगे कि क्रिमिनल बिहेवियर इन मेंटली रिटार्डेड पीपल। अच्छा, अब जो मेंटली रिटार्डेड क्रिमिनल बिहेवियर है सर, ये सबसे ज़्यादा एज पर माई रिसर्च सबसे ज़्यादा होता है उन लोगों में जिनके अंदर माइल्ड रिटार्डेशन होती है। माइल्ड रिटार्डेशन उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह जो मुझे समझ आई वो ये थी कि माइल्ड रिटार्डेशन में उनको अपने बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर और रिएक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। जैसे जैसे हम सिवियर रिटार्डेशन की तरफ जाते जाते हैं कंट्रोल कम होता जाता है, तो वो एक खास सिचुएशन पे वो रिएक्ट नहीं कर पाते, और वो अगर कुछ ना कुछ सोच भी रहे हैं और एटीट्यूड अगर उनके अंदर आ भी गया है तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाते उस सेक्शन। तो माइल्ड रिटार्डेशन वाले एज पर रिसर्च, अव्वल तो ये कि इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रिसर्च टिल लेट 90s स्पेसिफिकली किसी ने नहीं की। 2000s के अंदर 2000 के स्टार्ट में इस पर रिसर्च शुरू हुई, और उसके बाद अभी तक की फाइंडिंग्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, कोई इस तरह को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च अभी भी नहीं की गई। तो उसके अंदर वो यही है कि माइल्ड रिटार्डेशन वाले लोग सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव एटीट्यूड की तरफ, क्रिमिनल एटीट्यूड की तरफ जा सकते हैं। इसमें होता यह है कि ये चूंकि सब कुछ समझ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन अपनी मेंटल रिटार्डेशन की वजह से या लेस डेवलपमेंट की वजह से उस तरह कोप अप नहीं कर पा रहे होते लोगों के साथ, तो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन में ये होता है कि उसके बाद उसके अंदर ऑफेंसिव बिहेवियर आता है, मे बी उन लोगों के अगेंस्ट जो लोग उनके आसपास हैं, और वो चूंकि वीक होते हैं किसी भी किस्म का रिएक्शन करने में या अपने आप को एक्सप्लेन करने में, तो वो लोग उनसे एडवांटेज उठाते हैं। एडवांटेज हर किस्म का हो सकता है, और उसके रिएक्शन में वो एक नेगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है। चाइल्डहुड निगलेक्ट, एट टाइम्स ये भी होता है कि पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं ऐसे बच्चे को, और ज़्यादा एम्फेसिस या ज़्यादा तवज्जो दूसरे बच्चे को देते हैं, बच्चों को देते हैं जो 100% नॉर्मल हो। फिर फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इनके अंदर ज़्यादा आते हैं, मेनली इस वजह से कि वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट यस उसका भी असर होता है। और फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह एक नॉर्मल को होता है, लेकिन मेनली इसमें यही है कि वो चाइल्डहुड निगलेक्ट के साथ और अपने आप को एक्सप्लेन ना करने की वजह से और दूसरों से पीछे रह जाने की वजह से उसके अंदर, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऑफेंसिव एटीट्यूड आता है। और चूंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, रिएक्ट भी नहीं कर पाते चीज़ों को जिस तरह करना चाहिए, तो ये आर द पीपल, ये ज़्यादातर अपनी चाइल्डहुड लाइफ के अंदर सेक्सुअली अब्यूज भी होते हैं, वो भी एक वजह बनती है इनके
एडल्टहुड में जाके ऑफेंसिव एटीट्यूड की तरफ जाने में। उसके बाद एक स्टडी जो मुझे मिली, बाकी तो ज्यादा वो मुझे नहीं मिल सकता इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेटा, फिनलैंड में एक स्टडी हुई थी और जो स्पेसिफिक इस गोल के साथ हुई कि हमने जितने भी लोग जो मेंटली रिटार्डेड हैं, ये जितने भी लोग जो कि प्री ट्रायल उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, उन सब के ऊपर स्टडी की उन्होंने और उसमें चेक करने की कोशिश की कि कितने लोग मेंटली रिटार्डेड हैं या उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो उसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किए कुछ लोग ओवर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, ये कहते हैं ये स्टडी रही, आइडेंटिफाई किए कुछ लोग जो कि मेंटली रिटार्डेड थे। उसके अंदर कुछ टेंडेंसीज थी जो कि उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं। उसमें यह था कि हाफ ऑफ द क्रिमिनल्स, जितने भी लोग उन्होंने स्टडी किए, दे हैड बीन यूजिंग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, और हाफ जो है अल्कोहल अब्यूज का शिकार थे और 2/3 एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि वो और किस्म के नशे भी करते थे। 50% तो अपनी इसी, उनके अंदर ये टेंडेंसी थी कि वो अल्कोहल यूज कर यूजर्स थे, उसके बाद जो 2/3 थे वो किसी भी किस्म का नशा यूज करते थे। फिर उसके बाद जितने उन्होंने जब हाफ ऑफ देम, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर इंटॉक्सिकेटेड ड्यूरिंग द ऑफेंस, जो भी उन्होंने ऑफेंस किया वो 50% ऑफेंस करने के दौरान 50% लोग नशे की हालत में थे, और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी उनमें से 25% लोगों में पाया गया। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि टाइम्स ये होता है कि माइल्ड प्रॉब्लम के साथ लोग करेक्शनल फैसिलिटीज के अंदर ऐसे लोगों को जो कि स्लो प्रोग्रेस वाले होते हैं उनको भिजवा देते हैं। तो एक इस स्टडी ने ये चीज़ भी निकाली कि 50% लोग ऐसे थे कि जो कि करेक्शनल फैसिलिटीज में अब्यूज हुए और उसके बाद उनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज आई, और टाइप ऑफ ऑफेंस ये करते हैं उनमें दे आर सेक्सुअल ऑफेंडर्स, sexual offense, damage to property and arson. ये जो तीन चीजें हैं ये सबसे ज्यादा इन लोगों में पाई जाती हैं with mental retardation, जो लोग criminal behavior जिनके अंदर होता है. And arson is deliberate fire. ये मतलब basically ये frustrate होके जो जो चीज उनको बुरी लगती है वो उसको अपनी तरफ से खत्म करने की कोशिश करते हैं. But another thing is के ये पकड़े फौरन जाते हैं, इसलिए कि अगर इन तक कोई पहुंच जाए तो चूंकि ये मेंटली इतने डेवलप नहीं है कि वो उसको रेक कर सकें या अपने आप को छुपा सकें, तो जनरली ये पकड़े जल्दी जाते हैं। बट अगेन इसके ऊपर कोई ऐसी अभी तक कोई कंक्रीट स्टडी नहीं आई जिसके ऊपर आप 100% एक्यूरेटली कह सकें, और देन फिर अगेन वही वाली बात है कि कल्चर वाइज अभी जो मैक्सिमम स्टडीज हुई हैं वो हुई हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, उनका कल्चर, उनके अंदर स्टडीज, उनका रिएक्शन वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरों के निस्बत या हमारे एशियन कंट्रीज के निस्बत। तो ज़्यादातर स्टडीज वहीं की हैं तो इसलिए हम उसको जनरलाइज अभी नहीं कर सकते, बट यस दिस इज द थिंग जो मुझे अपने रिसर्च से पता लगी, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एक्सलेंट यार, ऑफ कोर्स अब सबने जो है वो जबरदस्त किया है और मस्ट से के वेरी इंप्रेस्ड, और मुझे टेक्निकली ज़्यादा चीज़ें अब ऐड करने की इसमें रह नहीं गई, बट मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें ऐड करूँगा, बिकॉज अब आप अगर जब नोट्स कंपाइल करेंगे फाइनल इस टॉपिक के ऊपर तो कुछ जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि वो ऐड हो जाएं और वो वन बाय वन विल गो थ्रू देम। ठीक है, सेकंड, ये कौन आया, अब्दुलरहमान यार, आज लोग बड़े आ जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लगता है आज सैर सपाटे का दिन है, नेट सही नहीं चल रहा। अच्छा, आपने आप सब ने माशाल्लाह मैंने तक कहा कि ज़बरदस्त कवरिंग की हर चीज़ की, एंड आई एम श्योर ये सारे फैक्टर्स इन जनरल सब कवर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें हम ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल हार्मफुल डिसफंक्शन क्या होता है, ठीक है, जिसमें एटिपिकल, डिस्टर्बिंग, मेलडप्टिव, अनजस्टिफाइबल, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव हैं इनके, ये थोड़े से इसमें अगर हम ऐड कर लें। मैं अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, वो जो मैं चाहता हूँ इसमें हम ऐड करें, वो बायो साइकोसोशल पर्सपेक्टिव, ये एक आप डिसऑर्डर्स के अंदर, डिसऑर्डर्स किसने किए थे, मैं खैर नाजिया ने किए थे, राइट सर, न्यूरोटिक मेरे पास सर, डिसऑर्डर तला भाई के पास था, तला, हाँ सॉरी तला,
चला ये साइकोलॉजिकल जो है ना बायो साइकोसोशल पर्सपेक्टिव, ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है ठीक है, जिसमें वो सोशल कल्चरल रोज इसको एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने, सोशोलॉजिकल स्ट्रेस ट्रॉमास हैं, उसके बाद इसमें बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन है, एवोल्यूशन है ब्रेन्स की जीन्स की, तो ये भी इसमें थोड़ा सा टॉपिक इसको टच शुरू कर लें ठीक है। सर क्या वर्ड यूज किया आपने, बायो बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसऑर्डर्स, इन्हें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर ही आता है। मैं यहाँ पर अगर कहें तो मैं आप लोगों को टाइप कर देता हूँ इधर। सर ठीक है हो गया, अच्छा चलें। इसी तरह फिर आपका है कैसे कहते हैं न्यूरोटिक तो हो गया, साइकोटिक भी हो गया हमारा, मैं तो चेक करूँ कोई पॉइंट रह ना गया है मेरा। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ऑल्दो के वो उसके अंदर ही आते हैं, लेकिन यह कि उनके उनको भी एक सेपरेट डिसऑर्डर लिया जाता है एज ए ब्रांच और सब ब्रांच आप कह सकते हैं, जिसमें आपका डिस्ट्रेसिंग परसिस्टेंस एंग्जाइटी, फिर उसके बाद गैड है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हर वक्त बंदा टेंस रहता है, एप्रीहेंसिव रहता है, ऑटोमेटिक नर्वस अराउजल रहता है उसको, फिर उसमें फोबिया है, तीसरी इसकी टाइप है फोबियाज ठीक है, जिसमें परसिस्टेंस इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है या खाम खाम, मतलब अच्छा फोबिया के भी फिर जो है ना वो तीन लेवल्स हैं, फियर है एंग्जाइटी है और फोबिया है, तो वो यस सर ये न्यूरोटिक जो होते हैं इनमें भी मेनी टाइप्स ऑफ फोबियाज जी बिल्कुल डिस्गस्ट है इसमें, फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, तो इसको मैंने कहा थोड़ा सा इनको हम सिस्टमैटिक कर लेंगे। फिर न्यूरोटिक में आपने बताया ओसीडी जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी एक्चुअली वो लोग हैं जो किसी भी बिहेवियर को बार 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 रिपीट करते हैं, वो फिर चाहे कपड़े सफाई हो चाहे हाथों की सफाई हो, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें जो डिसऑर्डर है वो है पैनिक, वो जो जिसको आपने बताया था लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूँगा उसको हम मजीद एक्सप्लेन करें कि वो खाम खाम में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उनकी, और फिर उसमें उनको चेस्ट पेन चोकिंग और ये सारी चीज़ें, मतलब वो फिजिकल मेंटल से वो फिजिकल एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं ठीक है। अच्छा उसके बाद जो एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो है हाँ ओसीडीज में फिर आगे और टाइप्स हैं, थॉट्स एंड बिहेवियर्स हैं, ऑब्सेशंस हैं उनके, कंपल्शंस हैं। अच्छा ऑब्सेशन एंड कंपल्शन जो है इन दोनों में फ़र्क होता है, ऑब्सेशन वो है जो के जो रेपिटेटिव थॉट आएगी उनको ठीक है, मसलन गंद हो गया, कुछ बुरा होने वाला है, किसी की मौत हो जाएगी ठीक है। फिर एक कंपल्शन ये है कि जो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है उनके अंदर, मसलन वो हाथ धोते जाना, ब्रश करते जाना ठीक है, एक ही दरवाजे को बार बार खोलते बंद करते रहना, कदम गिन के चलना, ये उनके जो है ना ये फिर ये उनके वो उसमें आ जाते हैं कंपल्शंस में। सो ये दो इसकी टाइप्स हैं। फिर आपके इसमें मूड डिसऑर्डर्स हैं ठीक है, मूड डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें आपका क्या कहते हैं अपना इमोशनल एक्सट्रीम्स आ गई जो हमने ऑलरेडी जिसका सरकस किया भी है, फिर मेजर डिप्रेसिव में जो आपका आ जाता है कि कोई वजह नहीं होगी, बात वही है लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो हम उसको लेकर चलेंगे, वजह वही होगी और एक सेकंड बेटा ये लो, वजह उसकी वही होगी लेकिन ये है कि हम वो उसको खाम खामे जो है ना वो अपने लिए बना लेंगे, क्या उसे कहते हैं वर्थलेसनेस की फीलिंग की तरफ ले जाएंगे ठीक है। क्लिप्टोमेनिया, ये क्लिप्टोमेनिया जो है इसको भी आप अपने इसमें लिस्ट में डालिए ठीक है। और फिर इसमें एक और भी आता है आपको जिसे हम कहते हैं यार क्या उसे कहते हैं अल्लाह अकबर, वो जिन लोगों को यार कौन से मैं देखा अचानक लफ्ज ही मुंह से निकल गया, एक सेकंड ठहर जाए यार, क्लास्ट्रोफोबिक्स, फोबिया में क्लास्ट्रोफोबिक्स जो है वो बड़े कॉमन है ठीक है। तो क्लिप्टोमेनिया वाले जो लोग हैं इनका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये वो जो शौकिया जो शॉप लिफ्टर नहीं होते जिन्हें हम कहते हैं कि शौकिया चोर, इनका दिल करता है कि हम चोरियां करें, हम खाम खाम में जो है वो इस तरह के काम करें कि जो दूसरों को से तकलीफ वाली हो। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके जो अक्सर जो आप देखेंगे बड़े अमीर अमीर घरों के लोग या औरतें होंगी वो जाके कोई ना कोई शॉप लिफ्टिंग उनकी एक बहुत बड़ी हॉबी होगी, तो एज अ हॉबी वो इसे करते हैं। मैनिक एपिसोड्स ठीक है, अब मूड डिसऑर्डर होता है ये भी ठीक है, इसमें ऑप्टिमिस्टिक स्टेट आ जाती है, हाइपर एक्टिवनेस बहुत इसमें आ जाती है ठीक है, जिस तरह पैनिक होता है उस तरह मैनिक होता है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा है, इसमें होपलेसनेस और लिथार्जी के दरमियान ये मूव करता है ठीक है, और इसे हम कहते हैं इसके एक और भी हम नाम देते हैं इसको ओवर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मेनिया ठीक है। इसका वैसे जो पहले जो नाम जो यूज़ किया जाता था इसके लिए, अब चूँकि वो नहीं यूज़ करते,
वो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, एमडीडी कहलाता था ये पहले, अब ये बाइपोलर कहलाता है। अच्छा, इसके बाद इसमें और जो मैं शायद मैं देख रहा हूँ कोई पॉइंट आप लोगों ने और मिस नहीं किया हो। हाँ, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स में एक डिप्रेशन बहुत बड़ा है। डिप्रेशन जो है इसको, इसके तीन चीज़ों के दरमियान ये ऑल्टरनेट करता है। ये ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से हो सकता है, केमिकल कंपाउंड आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं उनका इम्बैलेंस हो सकता है। केमिकल इम्बैलेंस जो है वो बड़ा अगेन फिजिकल ब्रेन का इशू है, तो उसके लिए फिजिकल इलाज चाहिए। फिर कॉग्निशन इसकी दूसरी रीज़न हो सकती है, फिर मूड इसकी तीसरी हो सकती है। तो इन तीनों में ये यू नो वजूहात की वजह से वो किसी भी एक चीज़ की वजह से ट्रिगर हो सकता है ये जो मूड डिप्रेशन है। ठीक है, और इसके जो एक और जो इसका जो साइकिल है जिसके अंदर ये घूमता रहता है उसे हम विशियस साइकिल भी कह सकते हैं। वो आपका हो गया कि कोई भी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हुआ आपको, उसकी आपने एक नेगेटिव एक्सप्लेनेशन बना ली और उससे आप उस इवेंट की वजह से अब आप वो बंदा डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका वो बिहेवियर पक्का हो गया। अब जब भी वो ट्रिगर आएगा वो वापस उसी तरह के ये उसमें जाएगा। हमारी एनएलपी में हम एक चीज़ पढ़ते हैं एंकर्स, एंकर्स में हम स्पेसिफिकली जो हम काम करते हैं जिसमें मैं एनएलपी की खास बात कहता होता हूँ कि जब हम डिप्रेसिव या इस तरह के बिहेवियर्स में काम कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसकी रूट, उसकी सुपरफेशियल या सरफेस रीजन क्या है, हम उसकी रूट कॉज पे काम करते हैं। तो रूट कॉज जो है ना वो इस साइकिल में वो स्ट्रेसफुल इवेंट था, वो एक इवेंट जो कभी एक दफा हुआ था, हम उस पे काम करते हैं। आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट होगा वो आपके बिहेवियर चेंज पे काम करेगा कि जी इसको हमने ये कर रहा है इसकी क्या वजह होगी। ठीक है, चलो चलो डिप्रेसिव हो गया तो उसको दवाइयां दे देगा, वो समझेगा कि शायद सिर्फ केमिकल इम्बेलेंस है। और वी व्हेन वी स्टार्ट डिगिंग आउट, वी डिग आउट कि उसका ओरिजिनल इवेंट क्या था। मसलन फोबिया है, मैं उसकी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आप लोगों को वो छिपकली वाली कहानी सुनाई थी जो मेरी एक स्टूडेंट के साथ जो छिपकली का फोबिया था, 5 साल की बच्ची वाली, चला याद है आप लोगों को? ऐसे मैंने कहानी आप लोगों से शेयर की थी। अच्छा नहीं आ रही आपके मखल आवाज की थी। वो जो मेरी एक स्टूडेंट थी, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को नहीं याद। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो उसको हम लोग एनएलपी की मुझे स्टूडेंट क्लास थी हमारी, तो वो छिप चकी बशी 32-33 ईयर्स ओल्ड। तो वो कहती है कि जी मैं छिपकली का नाम लिया तो मैंने तो ऐसी तो कुर्सी पे चढ़ के बैठ गई। और दिस फोबिया, अगर उसको फियर या एंग्जाइटी होती तो शायद वो ये काम ना करती, और एकदम उसके पसीने और मतलब उसकी हालत ख़राब। तो क्या हुआ तो पता ये चला कि जब वो 5 साल की थी, माँ के साथ बेड पे लेटी हुई थी, छत के ऊपर छिपकली जा रही थी और ये बच्ची उस छिपकली को इंजॉय कर रही थी जाते हुए, देख रही, फैसिनेट हो रही थी। तो अचानक वो छिपकली कहीं किसी वजह से गिरी है बेड पे, माँ जो कि सोई हुई थी, छिपकली जैसी गिरी है, माँ ने को पैनिक अटैक हुआ है, माँ ने चीखें मारी हैं और ये बच्ची उसके बाद छिपकली से 32-33 साल की उम्र तक, टिल द टाइम वी गेव हर एंटीफोबिया सेशन, ठीक है, वो उसकी यही हालत होती थी कि वो उसकी पल्पिट हार्ट बीट तेज हो जाना और ये सारी चीज़ें। तो हमारे हम जब इसकी क्योर करते हैं तो हम वो स्ट्रेसफुल एक्चुअल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक इवेंट था, वो एक कहानी थी, वो एक मूवी थी, वो मूवी ख़त्म हो गई लेकिन उस मूवी का असर हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है। हमारे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एशियंस और यूरोपियंस में, वेस्टर्न्स में और एशियंस में, ये हमारे ईस्टर्न्स में मेजर डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन, ये हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हम क्रिमिनल्स जो हैं, जो स्पेशली वो क्रिमिनल्स जो अपने माजी में रहते हैं या माजी की चीज़ों से सीखते नहीं हैं, वो क्यों नहीं करते। आप लोगों को मैंने टाइमलाइन का बताया था, हेलो सर यार नहीं टाइमलाइन, टाइमलाइन का नहीं बताया। अच्छा मुझे एक सेकंड यार, मुझे देखने दें कि मैं ये असल में जूम हुआ है अपडेट, तो इसके अंदर जो है वो इन्होंने वाइट बोर्ड पता नहीं मेरा कहाँ कर दिया है। मैं एक सेकंड पहले वाइट बोर्ड देखता हूँ फिर मैं आपको वो वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ टाइमलाइन, क्योंकि मज़ा ही उसमें आएगा। एक सेकंड ठहर जाए, मुझे सर चेक कर लेने वाइट बोर्ड कहाँ से ओपन होना है इसका। आज बड़ी एंट्रियां हो रही हैं आखिरी वक्त पे। अच्छा चलो, व्हाइट बोर्ड यहाँ नहीं है हमारे पास इस वक्त, पता नहीं क्या चक्कर है। एक सेकंड,
यार भाई माइक ऑन कर ले मेरे, ऑफ कर दे भाई, क्यों मेरे से माइक बार बार ऑफ करवाते हो अपने। अच्छा चलो, इसमें व्हाइट बोर्ड नहीं है, मैं आपको नहीं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा व्हाइट बोर्ड, ये अपडेट होता है, अपडेट के बाद कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है इसके अंदर। हालांकि व्हाइट बोर्ड यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट था एक एस्पेक्ट हमारा। अच्छा चलो एनीवेज, मैं आपको, आप लोगों को मैं अगर यहाँ पर करके दिखा दूँ, जो बेटा मुझे एक सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करके या माइक्रोसॉफ्ट पेंट की फाइल ओपन करके स्क्रीन शेयर कर देना उसके साथ, तो वो भी व्हाइट बोर्ड के तौर पर यूज हो सकता है। गुड आइडिया यार उमर, गुड आइडिया, मैं अभी कर लेता हूँ, ये अच्छा आइडिया आपने दिया। लेकिन इसका अपना व्हाइट बोर्ड था, मुझे पता नहीं क्यों नहीं, ये कल परसों उन्होंने फिर अपडेट दिया। अपडेट के बाद उन्होंने ये किया कि जिस मशीन में मेरे ख्याल से वो टच पैड का सिस्टम है उसमें व्हाइट बोर्ड शो होता है, अदरवाइज बंद होता है। ओके ओके, अच्छा ये आपको फिर उसका आइडिया था, मैं उनसे पूछूंगा बिकॉज मेरा तो पेड वर्जन है, इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके लेट मी शेयर दिस स्क्रीन विद यू। ओके जी, आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मेरा स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर नजर आ रही है। तला आपके ना वॉल्यूम में कोई इशू है, आपकी आवाज बहुत ही हल्की हो जाती है एकदम। ओके सो लेट मी पिक समथिंग, यहाँ से स्टाइल पेंस, नहीं स्टाइल नहीं, ये नहीं यार, एक सेकंड है, इधर गई है शेप। So, draw. Okay, great. Okay, जी. ये हमारे जो इंसान है ना, जो एशियन और टाइम लाइन लोगों की दो तरह की होती है, ठीक है। जो एशियन अगर बंदा है, ड्राइंग को साथ साथ बर्दाश्त करते जाना है आपने, बिकॉज ये बंदा बड़ा मजेदार बनने वाला है, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल दैट आई एम द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कैसा है फिर, मजेदार है ना बंदा, अखियां भी हैं इसकी, ये देखो। ओके नक भी आ गया तो ये भी, स्माइली फेस भी आ गई। ओके जो हमारे एशियन कम्युनिटी है स्पेसिफिकली, दे फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज यार वापस आ जा भाई, किधर चला गया है, ओके वन इज थ्रू टाइम पीपल, ठीक है, एंड द अदर वन इज इन टाइम पीपल। जो हमारी एशियन कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी है थ्रू टाइम में, ठीक है। थ्रू टाइम पीपल सॉरी वो इन टाइम पीपल है। इन टाइम पीपल वो होते हैं, एशियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे मैं और आप हैं, हम लोग ज़्यादातर वो हम लोग हैं इन टाइम पीपल। इन टाइम पीपल कौन से होते हैं, जिनका अगर हम टाइम लाइन ये हमने बनाई हो अपनी, ठीक है, ये हमारी टाइम लाइन है। टाइम लाइन का मतलब है हम जिंदगी को, एक सेकंड यार इसको मैं कलर चेंज कर दूं, अगर मैं जिंदगी को एक सीधी लाइन में देख रहा हूं, तो जो ये अगर मैं ये एशियन की हैसियत से देख रहा हूं, तो मेरा प्रेजेंट जो है वो यहां पर है, ये मैं इस वक्त इधर खड़ा हूं, मेरा माजी जो है वो मेरे पीछे होगा, ठीक है, और मेरा मुस्तकबिल जो है वो मेरे सामने होगा। अब इसकी एग्जाम्पल आप सबके लिए ये है बड़ी सिंपल सी, कि आप अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेरे साथ कौन कैमरे पे कौन आएगा, मैं एक सब लोगों को एग्जांपल करके दिखाते हैं।
सलाह आप आओगे? कुर्बानी का बकरा सीआरई बन सकता है। यस सर। हाँ देखा फॉर्म बोली ना दिया। यस सर आज आगे सर आज वो बकरा आपको रिक्वायर है ना सर। ओके चलो जी तलहा को मैं पिन कर लेता हूँ जरा। अभी आप लोगों ने देखना है कि देखते हैं हम तलहा की टाइप कौन सी है। अच्छा तलहा मुझे पहले तो ये बताइए कि कैमरे में मित्र देख रहे हैं आपने सीधा, आपके लैपटॉप किधर पड़ा है? लैपटॉप का कैमरा तो आप साइड पे देख रहे हैं, आपने सीधा देखना था कि मैं भी आपकी आंखें देख सकूं। ओके ग्रेट, लाइट थोड़ी सी कम है। आप लोग सारे चाहें तो तलहा की वीडियो को पिन कर सकते हैं। आपने अवैस समझ नहीं आया मुझे, अवैस गादी कह रहा है कि आपने जो ये नेम बताया है इसको प्लीज टाइप कर दें। कौन सा नेम अवैस मुझे आप बाद में बताना। ओके तला यार मुझे ये बताएं कि आपके ना समय लाइट कम है तो मुझे आपका चेहरा आंखें नजर बिल्कुल नहीं आ रही, आंखों में डार्क हुआ हुआ है, आपके चेहरे पर लाइट नहीं आ रही, बाकी सब जगह पर ठीक है। चलो बारह ठीक है, आप खुद ही बता देना, छोड़ दो मैं नहीं देखता, आप खुद बता देना। तला मुझे ये बताओ कि आपने कल रात को डिनर कितने बजे किया था? तकरीबन 9 बजे। 9 बजे ओके। और परसों परसों कितने बजे किया होगा? परसों सर डिनर नहीं किया था। परसों डिनर नहीं किया था, अच्छा अच्छा। लास्ट वीक आप ऑफिस कितने बजे गए थे? लास्ट वीक सर वंस ओके। अच्छा अब आपने नेक्स्ट ऑफिस कब जाना है? सर नेक्स्ट फिलहाल जो है नहीं जाना। ओके कल रात ऑफिस है। अच्छा अच्छा आप रोजाना रात को सोते हुए ब्रश तो करते होंगे? सर नॉट ऑलवेज। ओके नॉट ऑलवेज, चलिए। अच्छा जब मैं आपसे ये सारी बातें पूछ रहा था तला, जब मैंने आपसे पूछा था कल के डिनर का, तो आपको जो थॉट आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी या यहाँ से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? जब आप पीछे पास्ट की किसी चीज के बारे में सोचते हैं। चलो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट डेट पूछता हूँ, शादी की डेट बताएं। 25 दिसंबर। तो ये थॉट यहाँ से, ये तो थॉट समझ आई होगी ना, यहाँ से आई है या कहीं से आई है? सर यहीं से, बैक से। बैक से आ रही है। और जब मैंने आपसे फ्यूचर का पूछा था ऑफिस जाने का, ठीक है, तो उस वक्त आपका जो थॉट थी वो कहाँ पर थी, कहाँ से आई थी? सर सामने से या साइड से? सर आई गेस साइड से। ओके नॉट श्योर, चलिए दोबारा देखते हैं। आप इस अपनी शादी की अगली सालगिरह पर क्या करेंगे? ये थॉट तो सही आएगी। ये सर बिल्कुल बेहतरीन करके थॉट आएगी। सामने से ही आई है सर? ये सर ये सामने से ही आई है बिल्कुल सर। सामने से आई है। अल्लाह करे कि सर हालात बेहतर हो जाएं इंशाल्लाह, तो विल गो समवेयर आउट ऑफ कंट्री और उमरा में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो इस वक्त आप कहाँ बैठे हुए हो? सर मैं लाउंज में बैठा हूँ। ओके जब आपने ये अभी इसके बारे में सोचा है तो आपको ये यहाँ से थॉट आई है या ये भी पीछे से आई है? सर पीछे से आई है। आप चेयर पे बैठे हैं बेड पे बैठे हैं? मैं सर चेयर पे। ये थॉट ऊपर से आ रही है या पीछे से आ रही है? थॉट को गौर करना है आपने। सर ऊपर से आ रही है? ये ऊपर। ठीक है सर। अभी तलहा इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ए इन टाइम पर्सन। हमारी एशियन पॉपुलेशन का तकरीबन 90-95% पीपल आर इन टाइम। हम अपने हम होता क्या है, हम लोग कहते हैं यार मैं माजी, बंदा माजी तो निकलता नहीं। हम एशियंस माजी से नहीं निकलते, उसकी दादी की नानी की चाची की फुप्पी की मामी ने ये किया था इसलिए अगर इस घर से बहू आएगी तो वो ये भी करेगी। ठीक, अब हम क्या कर रहे होते हैं, चूंकि हमारी जो टाइम लाइन है जिंदगी की, हम वो एक सीधी लाइन है, हम उसके सेंटर में खड़े हैं। हम या पीछे मुड़ते हैं तो हमें बैक पास माजी नजर आता है, सामने देखते हैं तो फ्यूचर नजर आता है, प्रेजेंट हमें नजर ही नहीं आता। सो वी डू नॉट लिव इन नाउ, आइदर वी आर लिविंग इन पास्ट और वी लिव इन द फ्यूचर। सो ये ठीक है तला, आपको तो थैंक यू हो गया, मैं वापस की तरफ जाता हूँ बोर्ड की तरफ। ठीक है, सो ये हमारी इन टाइम पॉपुलेशन है जो कि मेजोरिटी पॉपुलेशन है हमारे लोगों की, इसे हम कहते हैं इन टाइम पॉपुलेशन। ठीक है,
फिर जो दूसरी टाइप है जो जिनको हमारे यूरोपियन और हम लोग बड़े इमोशनल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जितने भी काम कर रहे होते हैं ना इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, जो यूरोपियन लोग होते हैं ना उनकी टाइम लाइन कुछ इस तरह से होती है, उनका किसी का लेफ्ट किसी का राइट, लेकिन इन जनरल पास्ट जो है वो एक तरफ होगा, ठीक है, उनका प्रेजेंट बिल्कुल सामने होगा, उनके हमेशा बिल्कुल सामने होगा, ठीक है, और उनका फ्यूचर दूसरी तरफ होगा। आम तौर पे यही ओरिएंटेशन होती है जो मैंने बनाई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ऑपोजिट हो सकती है, किसी का फ्यूचर लेफ्ट पे हो सकता है, किसी का प्रेजेंट लेफ्ट पे हो सकता है, सो दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज़ नॉट एन इशू, बट ये उनको उनको अपनी ज़िंदगी की टाइम लाइन ऐसे नज़र आ रही होगी कि जैसे आप कोई फिल्म स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह आपके सामने अगर यूँ फिल्म लगी हुई है, वो एक मूवी है माइनॉरिटी रिपोर्ट, वो देखी है किसी ने, टॉम क्रूज की? नहीं सर। टॉम क्रूज की मैक्सिमम मूवीज देखी हैं, माइनॉरिटी रिपोर्ट अभी ज़हन में नहीं आ रही। जो आप लोगों ने जो टेक्नोलॉजी वाली मूवीज जब भी देखते होंगे उनमें आपको एक चीज नजर आती होगी कि वो सामने यूं स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर यूं गोले से चल रहे होते हैं, वो यूं गोला उठाता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह जोड़ देता है, इधर से चिप उठाता है, इधर को जोड़ देता है, यहाँ से चिप पकड़ता है, सामने यूं लगा के चेक करता है, टेस्ट करता है कि काम नहीं कर रही, दूसरी टिप ले आता है, इधर लगाता है, इस तरह की चीजें आपने मूवीज में देखी होंगी, राइट। तो जो थ्रू टाइम पीपल हैं इनकी जिंदगी, ये ज्यादातर वेस्टर्न लोग जो है ये थ्रू टाइम कहलाते हैं, 90-95% पॉपुलेशन है, इनको हम कहते हैं ये बड़े अनइमोशनल हैं, इनके कोई आपस में अटैचमेंट नहीं है, हम समझते हैं, ये हम समझते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल हैं, ठीक है। तो इनका क्या हो रहा होता है कि इनके लिए इनकी जिंदगी की टाइमलाइन यू सामने है, दे आर डिटैच्ड, दे आर नॉट अटैच्ड, हम अटैच्ड हैं अपनी टाइमलाइन के साथ, हम जहां मूव करते हैं हमारी टाइमलाइन हमारे साथ साथ चल रही है, ये दे आर डिटैच्ड फ्रॉम देयर टाइमलाइन, इसीलिए इनके पास रैशनल थिंकिंग का टाइम ज्यादा होता है, इसीलिए ये सोच के ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए ये इमोशनल बज़ाहिर हो नहीं रहे होते, क्यों? क्योंकि उनके लिए तो सामने है ना, माजी इधर है, अच्छा मैंने माजी से सबक सीख लिया है और इसको मैंने प्रेजेंट पे लगाया है, अब प्रेजेंट में मैंने ये सबक लगाया, इससे मेरे अभी फर्क नहीं पड़ा, चलो मैं दूसरा सबक उठाया, मैंने यहाँ लगाया और इसको फिर मैंने देखूंगा कि फ्यूचर में मेरा इसका क्या होने वाला है, ठीक है। अब वो इस तरह से वो लोग चूंकि उनके वो उसके अंदर मतलब आप इस तरह ना एक तरीका इसका ये है कि एग्जाम्पल का कि अगर आप शावर के नीचे खड़े हुए हैं तो आपने तो गीले होना ही होना है ना, लेकिन अगर आपके सामने एक आबशार चल रही है तो आपकी मर्जी है, आप हाथ रख के गीला कर लें और ना रखें तो सर रख लें, सर ना रखना हो तो टांग रख लें, नाउ यू हैव एन ऑप्शन आबशार, लेकिन जब आप खुद पूरे के पूरे उस आबशार के नीचे खड़े हो गए हैं तो फिर तो आप हर वक्त गीले हो ही रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है इनकी, ओके, देयर इज नो राइट नो रॉन्ग, द एबिलिटी, मैं हमेशा एक जुमला कहता होता हूँ, द एबिलिटी टू स्विच बिटवीन द टू टाइम लाइन्स इज एन एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, क्योंकि किसी वक्त आपको इमोशनल होना चाहिए और किसी वक्त आपको इमोशनल नहीं भी होना चाहिए, किसी वक्त आपको अटैच होकर चीजों का हल निकलता है, किसी वक्त डिटैच होकर निकालना पड़ता है, ठीक है। सो जो हम टाइमलाइन थेरेपी जो करता हूँ मैं लोगों के साथ, तो उसमें दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू, दैट वी फाइंड आउट द पर्सन टाइम लाइन। अभी तो मैंने तलहा के अपने उसके डिसीजन पे किया, वन और भी मेथड्स हैं इसके, ये अगेन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब हम क्रिमिनल्स की चीज़ों को और स्पेसिफिकली इन डिसऑर्डर्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने उनको ये चीज़ें भी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बज़ाहिर आपकी क्रिमिनोलॉजी की किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, बज़ाहिर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये समझते हैं कि जी ये NLP की साइंस है, हालांकि ये दिस प्लेस अब ये इसके ऊपर आ रही है, अब साइकोलॉजी अब रिसर्च इसके ऊपर आ रही है कि यार दिस टाइम लाइन एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ओरिएंटिंग और ओरिएंटिंग एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये मैंने सोचा था एक नई चीज़ है जो आप लोगों के लिए मैं आपको ज़रूर शेयर करूं, और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मिसिंग, मैं चेक कर लूं कोई और पॉइंट मेरे नोट्स में से, कोई और पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो मिस हो गया हो। हाँ, तो मैं बात जो मूड डिसऑर्डर्स की कर रहा था, उस जहाँ से टाइम लाइन की ओर बात आई कि उसमें वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, उसको हम आइडेंटिफाई करके निकालते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स भी हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में हमने जो नहीं थोड़ा सा शायद रह गया वो है कॉन्शियस अवेयरनेस बिकम सेपरेटेड, ठीक है, ये वही जो मैं अभी बताया, डिसोसिएटेड टाइमलाइन प्रीवियस मेमोरीज थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ। फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, ठीक है,
कि बंदा समझता था यार कि मेरी कोई और पर्सनैलिटी थी, मेरी कोई और एंटिटी थी मैं. इसके ऊपर बड़ी मूवीज भी बन चुकी हैं आपकी. वो कौन सी है, वो एक बड़ी मशहूर मूवी है अल्लाह अकबर, बॉर्न आइडेंटिटी, उसको वो भी इसी के ऊपर तकरीबन बनी हुई है. फिर शिज़ोफ्रेनिया जो है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो हमने नहीं इसमें डाली. फिर डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन तो हमने कर ली हैं, तो उनको मैं चाहूँगा कि शिज़ोफ्रेनिया की जो सब टाइप्स हैं, मसलन पैरानोया है, डिसऑर्गेनाइज है, कैटाटोनिक है, ठीक है, अंडर डिफ्रेंशिएटेड है, रेजिडुअल है, इनको भी आप लोग थोड़ा सा अपने उसमें ऐड कर लीजिए. ठीक है, ए एस पी डी एक है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लें. और मेरा ख्याल है ए डी डी और ए डी एच डी वगैरह जो है ना, ये किताबें कहती हैं. मैं पर्सनली ए डी डी को, अब आज की रिसर्च ये कहती है कि ए डी डी इज़ नॉट अ डिसऑर्डर. ए डी डी का अगर किसी को नहीं पता तो उसे हम कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, या उसका दूसरा नाम है ए डी एच डी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. नाउ ये मैं खुद आपके सामने ए डी डी बैठा हूँ, क्लासिकल एग्जाम्पल. ए डी डी इज अ ब्लेसिंग, इज नॉट अ डिसऑर्डर, एंड आई कैन टेल यू दैट, एंड आई कैन प्रूव इट, आई हैव प्रूवन इट रॉन्ग मेनी टाइम्स. ठीक है, फिर कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं, और फिर ओ डी डी है. कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो इस तरह के, इस तरह जानवरों को, बच्चों को मारना, उनके साथ चाइल्ड मोलेस्टेशन के केसेस हो गए. ठीक है, और फिर उनके साथ जुल्म करना, जानवरों के साथ जुल्म करना, आगे आग लगा देना. फिर ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर जिसे हम ओडीडी कहते हैं. ठीक है, स्टबर्ननेस होना, हर वक्त नेगेटिव बातें करना, डिसोबीडियंस, हर एक के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना कि ये मेरे खिलाफ ही बातें हो रही हैं. ठीक है, सो ये कुछ थे. और एक और मेरा ख्याल मिस हो रहा है, ठहर जाए. अमोरल पर्सनैलिटीज, नार्सिसिस्टिक, ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं. शिज़ोइड, एंटी सोशल हम कर चुके हैं. सैडिस्ट एंटी सोशल हम, हार्टलेस जो ब्रूटल. सैडिस्ट एंटी सोशल सबसे खतरनाक है. सैडिस्ट जो बंदा है ना, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ये इसको इसको इसके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं, मतलब इसको तकलीफ देने का ही शौक है. ये आपको देखेगा, ये शुरू होगा मुर्गी गर्दन तोड़ देगा कड़क करके, ये जानवर पकड़ा उसको, उसकी एकदम गर्दन काट के निकाल दी, मतलब ये इस तरह की हरकतें करता हुआ आपको ये नजर आएगा. और उस वक्त जब आप उस बच्चे को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, तो वो इसका डिसऑर्डर बढ़ बढ़ के फिर ये क्रिमिनल, अब ये बड़ा होगा ये क्राइम की तरफ जाएगा. ठीक है, और मैं देख लूँ कोई एक चीज और है. बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एपिडेमोलॉजी. ठीक है, ये तीन तकरीबन औरतों में कम होता है, मर्दों में ज्यादा होता है. ठीक है, और और जो है स्पेसिफिकली जो लड़कियों में प्यूबर्टी के अंदर ये डिसऑर्डर आता है, तो इसको भी 15 साल से पहले पहले का होता है ये, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा. मेरा ख्याल है ये, बाकी तो हम तकरीबन सारा कवर कर ही चुके हुए हैं. इनके डायग्नोसिस वगैरह जो है, उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, कुछ आपको सामने प्रैक्टिकल नज़र आ रहे होते हैं तो आप लोग उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं, और कुछ जो है वो आपको कुछ इनके टेस्ट होते हैं. ए डी डी का टेस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल. लेकिन अगेन मैं बार बार ये कहूँगा, ए डी डी इज़ नॉट अ डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू मी एंड द रिसर्च दैट आई हैव स्टडीड. फॉर सम पीपल यस इट इज़. ठीक है, और साइकोपैथिक पर तो पर्सनैलिटी टाइप्स हम कर चुके हुए हैं. ठीक है, ओके जी, तो ये तकरीबन कुछ थोड़े से और एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मैं चाह रहा था कि बीच में मैं ऐड करूँ. इनको काइंडली आप लोग, जिन जिन्होंने ये किया है, आप लोग काइंडली इनको ऐड कर लीजिएगा. चला, ये एक आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट को हम आपके, यही आपके नोट्स होंगे. ठीक है जी, कोई सवाल किसी के जहन में अभी तक है तो, या कोई और कमेंट ऐड करना चाहे, कलीम आपका अगर कोई और रिसर्च है इसके ऊपर तो आप कुछ ऐड करना चाहें, या कोई भी और. नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा, माशाल्लाह, सब लोगों ने भी और आपने भी बहुत अच्छा कवर कर दिया. मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा था जो मैंने कहीं पढ़ी थी, कि जब मुख्तलिफ किस्म के डैमेजेस होते हैं माइंड को, या ड्यू टू सम साइको रीजंस हो जाए, तो एक चीज जो मुझे उसका नाम याद करने दे, वो कह रहे हैं कि चार लोब, लोब सही प्रोनाउंसिएशन है, एल ओ बी ई, चार माइंड के लोब या हिस्से होते हैं, तो उनमें जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब जो है, अगर उसको डैमेज हो जाए, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी क्लास के लिए वही है, अमेरिकन क्रो बार वाली जो आपने हमें समझाई थी, तो उसमें बंदे के पास थोड़ा सा डिसऑर्डर इस तरह हो जाए कि वो फ्यूचर इवेंट्स के, सॉरी
प्रेजेंट इवेंट्स के फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर नहीं रख पाता और कोई इंपल्सिव काम कर देता है जिसकी वजह से वो सेक्सुअल असॉल्ट कर सकता है, वो किसी को फायर कर सकता है, किसी को मार सकता है, इवन के ही कैन मर्डर समबडी, क्योंकि उसमें वो जो सेंस ऑफ जजमेंट है ना कि यार ये काम जो मैं करूँगा इसका फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे वो मिस कर चुका होता है ड्यू टू डैमेज या ड्यू टू सम साइको प्रॉब्लम, तो उस वजह से वो कुछ ऐसी एक्टें कर देता है जो कि नॉर्मल हालात में वो नहीं करते लोग। दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर, ये बड़ी अच्छी बात की सर, ये बड़ी अच्छी बात की क्लीम साहब ने, जैसे ये खानदानी दुश्मनियां होती हैं सर, उसमें भी ये पांच पांच छह छह लोगों का कत्ल हो जाना या इस तरह की, तो सर इसको आप किस तरह देखते हैं? ये भी क्या उन लोगों का चेकअप होना चाहिए या वो इस तरह से, या वो जो साला साल से दुश्मनियां चूंकि होती हैं तो उनके बच्चे भी इसी सोच के होते हैं और वो बड़े होके भी ये सोचते हैं, इस तरह की कोई चीज है या वाकई यानी उनका चेकअप होना चाहिए कोई? बिल्कुल चेक, बिल्कुल नाजिया मैं समझता हूँ कि बिल्कुल चेकअप होना चाहिए, बिकॉज वो बच्चों को देखें, जो बच्चा क्या है, पहले सात साल में हम ये कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि पहले सात साल में बच्चे की एक छाप बन रही है, बच्चे की इंडक्टिव लर्निंग हो रही है, अब उसके अंदर हमने बच्चे को अंदर ये इनकलकेट कर दिया, बच्चे को हमने ये सिखा दिया, ये दिखा दिया कि भाई तुमने तुम्हारे फलाने को मारा तो तुमने हम बदला लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसकी एग्जाम्पल ये देता होता हूँ, वो मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे ना एक बैंक में भेजा चेक कैश कराने के लिए, तो उस बैंक के जो मैनेजर थे वो अबू के दोस्त थे, मैं उस वक्त मेरा ख्याल है होऊंगा 10 साल का या 9 साल का, तो साथ ही बैंक था हमारे घर के थोड़ा दो चार कदम आगे चल के, तो अबू ने मुझे कहा, उस जमाने में आपको पता है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने को टेंशन नहीं हुआ करते थे, लोग चले जाया करते थे कोई डाके डबके का, इतना 10 साल का बच्चा भी पैसे दो, तो उस वक्त मुझे याद है वो 1000 रुपया निकलवाना था, 1000 रुपया बड़ी चीज हुआ करती थी, तो वो मैं वहां पर गया तो उधर वो जो बैंक मैनेजर थे, हाँ मेरे ख्याल में 10 साल का था, जब बैंक मैनेजर थे तो वो क्यानी साहब थे। अच्छा, वो क्यानी साहब बड़े ही हम्बल किस्म के आदमी की तहसीयत से मैं उसको जानता था। ठीक है, तो अचानक जो है ना मेरे बैठे बैठे दरवाजा खुला और एक बंदा अंदर आया और आया कहता है, ओ क्यानी जी, क्यानी जी, और राजा की वेखो है ना जी, और राजा ऐसा क्यानी वाले बस गल की है ना जी। द मिनट ही सेड दैट आई सॉ अ टोटली डिफरेंट स्पीशीज इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे एक धाड़ता हुआ जो है ना वो शैतान सा नजर आना लग गया, ओए राजियां दी ऐसी दी तैसी, उसने फौरन दराज खोला, अंदर से पिस्तौल निकाली एंड ही रैन आउट। ठीक है, आ सा तक सा वहां की, एंड आई वाज लाइक अंडर अ शॉक कि ये क्या हो रहा है। मैं घर आया, मैंने आके अबू को बताया, मैंने कहा अबू आइंदा मुझे नहीं यहाँ भेजना, ये बंदा ठीक नहीं है, मैंने नहीं जाना सेंटर के पास। बाद में वो बंदा आया, उसको रियलाइज हुआ कि मुझसे इस बच्चे के सामने गलती हुई है, एंड ही अपोलोजाइज टू मी मेनी टाइम्स, टिल डेट आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट। मैंने से को पूछता तो मैं कहता हूँ यार राजे और क्यानियों की तो लड़ाई होनी है। ठीक है, सो यस दीज थिंग्स डू इम्पैक्ट चिल्ड्रन, इनको मेरा ख्याल है इन बड़ों का इलाज होना बड़ा जरूरी है, इनके चेकअप जरूर होने चाहिए। जो क्लीन ने चूंकि जो बात की है मैं उसको भी अगर आगे लेके चलें, तो ये जो मैं मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ एक मिनट है जो पुलिस वाले कौन कौन है या जो लोगों के साथ डील कर रहे हैं क्रिमिनल्स के साथ डायरेक्ट कौन कौन है जिन्होंने माइनर क्राइम के साथ किसी बंदे के हवाले से, है जो नाजिया एक आप आ गई और कौन है, मैं चाह रहा हूँ दिनार, नहीं दिनार, हाँ दिनार है ना, आवाज नहीं आ रही दिनार को मेरा ख्याल, यस सर आ रही आवाज आ रही है। चले आप दोनों ऑनलाइन रहें और आप दोनों मुझे बताएं आपके पास जब क्रिमिनल बिहेवियर्स के लोग आते हैं छोटे छोटे जिन्हें पहला पहला क्राइम किया हो उसकी क्या पोजीशन होती है? सर मेरे पास तो ज्यादातर व्हाइट कलर क्राइम के लोग होते हैं, चाहे व्हाइट कॉलर ही हो पहला क्राइम जब करके आया बंदा आया हो तो कैसे वो होता है? सर वो जल्दी मान जाता है। ओके, और उसकी बॉडी उसका ये होता है कि वो मतलब पहले वो कह देता है कि मैंने तो इस तरह यानी इन गुड फेथ फॉर एग्जांपल वो ये एक तो वो बताता है कि मेरा कोई ऐसा नहीं था, इन गुड फेथ मैंने किया है और ये मैंने पीछे मेरा कोई इस तरह किसी के साथ लेन देन नहीं रहा, कभी मैंने नहीं किया, फर्स्ट टाइम ये मैंने किया और मेरी उसमें कोई, फिर जैसे होता है कि वो कहता है कि मैंने आगे किसी और को पैसे दे दिए थे तो वो भाग गया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है और इन ये लोग जानते हैं थोड़ा बहुत कि मैं इसमें मेरी मेलफ आईडी नहीं है, यानी वो एक तो जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल होता है ना तो वो जल्दी मान जाता है और दूसरा उसके सच बोलने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कि वो जो बात कर रहा होता है
वो वाकई ठीक कर रहा होता है, यानी ये बाद में यानी थोड़ी इंक्वायरी के बाद यही फाइंड आउट होता है कि वो ठीक बात कर रहा था। ओके और अगर आपके पास कोई प्री क्राइम क्रिमिनल हो जिसने अभी क्राइम किया नहीं है उसको, और उसके वो छोटे छोटे जिसे कहते हैं एक होती है, देखें एक होता है कि जो कहते हैं अजाब और एक होती है छोटी छोटी आफतें, ठीक है, तो जो ऐसे कुछ लोग जो छोटे छोटे हरकतें कर रहे होते हैं जिनको बज़ाहिर वो क्राइम नहीं लग रहे होते लेकिन दे आर हेडिंग टुवर्ड्स क्राइम, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट? सर ये होता है कि वो ना उनका जो आप मेरे साथ कह लें या उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ जो बिहेवियर होता है ना वो बड़ा अच्छा खुशामदाना आप कह लें या कह लें बड़ा अच्छा वे ऑफ टॉकिंग वो रखते हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर फील होता है कि वो समथिंग इज रॉन्ग, यानी मिस्टीरियस टाइप का उनका एटीट्यूड होता है। और अगर जब वो आदमी सेकंड थर्ड फोर्थ क्राइम के बाद आपके पास आता है तब क्या हो चुका होता है? तब सब सर जो मुझे फील हुआ ना वो कहते हैं कि गाल ही कोई नहीं, तुम जो मर्जी पूछ लो, ऐसी कोई गाल ही नहीं है, मुकर ही जाता है वो। ज्यादा छितर ही मार लोगे ना, मार लो चार छितर ज्यादा जेल। हां ये मैंने ज्यादा ये देखा है, वो कहता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब फिर द एंड जब उसको पता चलता है कि जब इन्वेस्टिगेशन में हमें उस प्रूफ हमारा और भी ज्यादा वो थोड़ा तरीकाकार होता है, उसकी इर्द-गिर्द सारी चीजों को हम देख रहे होते हैं या एविडेंस देख रहे होते हैं, तो फिर एंड में जब आता है तो उसमें फिर वो कहता है कि जी हुण गल करो कितने मुकना है, गायन नसी दी गलते हैं। अच्छा हां अब मुझे ये बताएं कि जिस वक्त उसने पहली दफा वो क्राइम किया था, ठीक है, या वो आपको इंडिकेशंस दे रहा था कि वो क्राइम करने जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली, और ये सवाल मेरा लॉयर से भी है, ये सवाल मेरा लॉ एनफोर्समेंट वालों से भी है, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हम उसको अगर हम उसको लेबलिंग करके या उसको हम मनवाने के चक्कर में रहते हैं, अगर उस वक्त हम उसकी साइको एनालिसिस करके हम उसकी इन चीजों को समझ के हम उसको इसको इस बात को चेंज करने की तरफ जाएं या उसको यहाँ हेल्प करें, क्या ख्याल है आपका, क्या हम क्राइम को होने से प्रिवेंट नहीं कर सकते? यस सर कर सकते हैं, और सर मैं अपनी तारीफ करना मकसद नहीं है लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी इंक्वायरीज में बहुत कम ऐसा है कि मैं FIR की तरफ गई हूँ, मेरी इंक्वायरीज में सबसे ज्यादा रिकवरीज हैं, और मेरे जो जो इमीडिएट बॉसेस और वो जो थे वो कहते थे कि ऐस ते मसाले आती कमेटी खोली है थे लोगों ने सुलह करा दी है ते उन्हां दी उन्हां दे मुकदमे मुकान दी के, यानी हमें FIA जो है वो रिकवरी एजेंसी नहीं है, लेकिन मैं उनको इस बात पे ले आती थी कि आप मेरी टेबल पे आ गए हैं तो आपने यहां से कहीं और नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, घर में आप नहीं मसला हल कर सकते, यहाँ मेरे पास आ ही गए हैं ना, तो आपने अब यहाँ मसला हल करके यहाँ से आपने जाना है, आपने कहीं और नहीं जाना, ना घरों में पंचायतें लगानी है ना अदालतों में मैंने आपको जाने देना है, आप आ ही गए हैं ना तो मुझे ही आप सालस बनाएं और यहीं इसको सॉर्ट आउट करें और आइंदा इस तरह का नहीं काम करना, यानी मैं इस बात पे उनको ले आती थी और मुझे खुशी है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ अपनी इन्वेस्टिगेशन में अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी में अगर आप उनको जब आप ये एनालिसिस उनका कर लिया एंड देन इफ यू रेफर देम के जी ठीक है या आप जाएं जाके फलाने से थेरेपी सेशन करें या आप जाएं जाके ये अगर ये इसकी केमिकल इम्बेलेंस है तो इसको बंदे को अगर ये साइकोपैथ है तो इसको हमें इलाज कराना चाहिए, अगर उधर ही निप द इवल इन द बड हो जाए, बिकॉज हमारा एज क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हमारा काम ये नहीं है कि हमने उसके बाद में उसकी चीज़ों को स्टडी करना, ना हमने तो ये देखना है कि क्राइम करने जाने से पहले इसको कैसे हमने रोक लेना है या उसने अगर छोटा मोटा क्राइम किया है तो उसको एनालाइज कैसे करना है बजाय से कि हम उसको आगे बसाएं, तो ये इसलिए ये मेरे नज़दीक ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वंस यू आइडेंटिफाई अ क्रिमिनल क्रिमिनल बिहेवियर, आई एम नॉट सेइंग अ क्रिमिनल पर्सन, ठीक है, वंस यू आइडेंटिफाई अ क्रिमिनल बिहेवियर जो कि 10 साल के बच्चे में भी हो सकता है, उसको उसी वक्त रोक देना या उसको उसी वक्त उसके ऊपर अमल करना काम करना इज द की टू हैव अ बेटर सोसाइटी अमंगस्ट अस। तो ये मैं इसलिए इस पॉइंट आपको सुना है ना सर तो इस तरफ ज़ेहन गया, मैं ऐसे कहूं कि हम तो बड़ा साइकोलॉजिकली डील करते हैं, नहीं ऐसी कोई सोच माइंड में रख के मैंने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ये वैसे ही है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ है, अब चाहे मुझे नहीं पता कि मैंने उसके सेंस में उसको अपना मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि वो मान जाते हैं या मेरा उनके साथ जो बिहेवियर वो देखते होंगे तो मे बी वो मेरे सामने आ जाते हैं कंप्रोमाइज पे या सच बोलने पे या मामला सॉर्ट आउट करने पे, मैंने इसको साइकोलॉजिकली कभी नहीं देखा, आपको सुना है तो वाकई मैंने ये सीखा है कि हमें उनको इस तरह से डील करना चाहिए।
एक ना मैं आपको बताता हूँ, एक हमारी एनएलपी में हम एक चीज कहते होते हैं जिसे हम कहते हैं सक्सेस फार्मूला, एनएलपी सक्सेस फार्मूला। जिन्होंने मेरी पहली क्लास अटेंड की थी मेरे कोर्स की, आप लोगों में से उन्होंने वो शायद फार्मूला सुना भी था। उसमें एक चीज ये होती है कि हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना कामयाबी की रीजन, जो हमें चीज जिसका हमें पता होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जिसे हम कहते हैं जो आपकी नजर है ना वो आपके टारगेट पे होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव पे। तो आपकी क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या आपका ऑब्जेक्टिव बंदे को जेल में डालना है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव उससे रिकवरी करना है, या क्या आपका ऑब्जेक्टिव मुआशरे में बेहतरी के लेके आना है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव लेके आप चल रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को जब आपने अचीव करना है, तो चाहे फिर वो पहली कोशिश हमेशा प्यार से ही अचीव किया जाए, इवेंचुअली अगर डंडे नाल अचीव करना है तो चलो फिर डंडा भी मार लेंगे, लेकिन ये कि पहले हम, क्योंकि बाय द वे जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये जो जो रफिंग अप जिसे हम कहते हैं टॉर्चर, इज नॉट एन अन इस्लामिक एक्ट, बाय द वे इज नॉट एन अन वर्ल्डली एक्ट। दुनिया में हर जगह हर बंदा रफ करता है। आपका गुंतनामो बे इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, विच इज द हाइट ऑफ रफिंग, ठीक है। तो ये एक इवेंचुअल कैपिटल जो है यू नो क्या कहते हैं मेथड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है दुनिया में, और ये लेकिन ये एक लास्ट रिजॉर्ट है जो इस्तेमाल होना चाहिए। और अगेन ये तो आफ्टर क्राइम के हैं, हम तो यहाँ पर पोस्ट क्राइम की बात, प्री क्राइम की बात कर रहे हैं ना, पोस्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो प्री क्राइम में आप बहुत सारे क्राइम्स को प्रिडिक्ट करके उनको आप सेव कर सकते हैं, खास तौर पे बच्चों के मामले में, जिसको आप छोटी मोटी बच्चों की, हम लोग एक निगलेक्ट कर देते हैं जब बच्चा यार छोटी जी गल, बच्चे की गल दे पिछे की, बच्चे तो आपस लड़ते ही रहते हैं, ये है वेयर द क्रिमिनल्स आर बॉर्न बाय द वे, वो बच्चे तो लड़ते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा फिर एक और चीज मैंने बड़ी देखी है, मेरे पास एक केस आया, बच्चे लड़े, ठीक है, और उन बच्चों ने तो आपस में बाद में क्रिकेट खेलने लग गए, उनके माँ बाप जाके दूसरे को कुटने लग गए, ठीक है, तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को ये कहा तो कहा कैसे। सो दिस इज वेरी वेरी सैड, बट दिस इज एग्जैक्टली द रियलिटी दैट वी आर फेसिंग एवरी सिंगल डे। आई मीन मैंने ऐसे एवरी सिंगल डे कोई ना कोई केस हमें ऐसा मिलता है। अच्छा फिर जो चाइल्ड मोलेस्टेशन है, ठीक है, अगेन दिस कैन बी प्रिवेंटेड आपके बच्चे के बिहेवियर से, अपने बच्चे के बिहेवियर से, और उन लोगों से जिनसे वो मिल रहा है उनकी हिंट्स से, वो आपको हिंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। जिनसे आपके घरों में जो लोग आ जा रहे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं तो मैं इस वक्त, जैसा मैंने शायद पहले भी बताया था, सगे मामू और सगे चचा का अपनी भांजियों के साथ जो है वो रेप के केसेस भी मैंने किए हैं, ठीक है, रेप तो नहीं कहूँगा, खा रेप ही है सेक्स मोलेस्टेशन का, ठीक है, सगे, मैं किसी पराये की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो उनकी क्या मुहरकात थे, ठीक है, कि दे वर इंटू दिस थिंग आउटसाइड, ठीक है, और जब उनको बाहर से नहीं मिली तो उन्होंने घर में ही अपनी भांजियों के साथ या भतीजी के साथ उन्होंने वो हरकत की। मेरे पास, मैं एक केस सगे बाप का मैंने किया है कि वो बाप अपने बेटे के साथ, नौ साल के बच्चे के साथ करता था, माँ का केस बेटे के साथ। सोचिए आप कि ये जो है ना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट की जा सकती थी। और वो जो बाप वाला केस था, वो उन्होंने मुझसे पूरा कराया ही नहीं कि उनको डर था कि कहीं मैं उनको पुलिस के हवाले ना कर दूं, हालांकि मैंने उनको कहा था कि आप एज ए पेशेंट ना तो मैं पुलिस में हवाले नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि वो बीवी कहने लगी कि जी आपको मैं, हम उसकी औरत, उसकी बीवी जैसे जब मेरे पास एक केस खुद लेकर आई थी, कहती है कि जी मैं ले तो आई हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन अगर मेरे मेरा शौहर जो है वो जेल चला गया तो हमारा कौन करेगा, तो वो कोई बात नहीं, जो कर रहा है वो करता रहे, नो प्रॉब्लम, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। सो आप सोचें कि हम किस तरह से क्राइम को परवान चढ़ाते हैं खुद। एनीवेज ये थोड़ा सा टॉपिक से मैं शायद हट भी रहा हूँ, बट ये हटना इसलिए ज़रूरी था मेरा कि ये है तो टॉपिक का ही हिस्सा, कि हम इनके इन 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 क्राइम्स को आइडेंटिफाई करके अगर हम इनको निप द ईवर इन द बड कर लें, एंड वी हेल्प दीज पीपल आउट, सो वी कैन सॉल्व एंड वी कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ क्राइम्स फ्रॉम हैपनिंग। सो ये है जी मेरा आज का हमारा मेन। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, तलहा काइंडली आप ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको एक जो ये नोट्स बनाएंगे वो सबसे शेयर कर लीजिएगा। मुझे अवैस ने दो तीन दफ़ा रिक्वेस्ट डाली है, तो मैंने सोचा मैंने कहा तलहा से मैं कह दूंगा। कोई सवाल आप लोगों का अभी तक इसके ऊपर, या कोई और कॉमेंट? लाइटर नोट, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल, बताएं।
जब आपने मैम नाजिया से पूछा कि आपका कहीं क्रिमिनल से इंटरेक्शन होता है, मैं कहा सबसे पहले मेरा और सिद्रा का नाम आएगा, फिर नहीं आया। नहीं नहीं सर, मुझे भी यही लग रहा था। ये तो हाइट ही हो गई। बचत होगी सर, बचत होगी। वही तो कहे, तो हाइट ही होगी, नाम ही नहीं आया, भूल गई। नहीं मैं समझदार हूँ ना, नहीं मैंने आपका डिसऑर्डर सुना है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होना चाहिए, आप मुझे कहीं उसमें डिसऑर्डर में दोबारा से घसीट ना लें। अच्छा वैसे बाय द वे मुझे अगले ये आप लोग सारे ये बताइए कि यार एक मेरी भी क्वेरी हल करें छोटी सी, ये साइबर क्राइम जो है इसको पाकिस्तान में इसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब मेरी अभी छोटी सी एग्जांपल है, मेरी एक फैमिली की एक पिक्चर दो तीन दफ़ा बल्कि लास्ट जो यूज़ की गई है मेरे फेसबुक से उठा के, वो जेलम की DPO के ऑफिस ने यूज़ की है। अब मैं उसके ऊपर क्या करूँ, उनके साथ मैं उनके ऊपर केस करूँ, क्या करूँ तकरीबन 30 मजीद शेयर किए गए हैं उसके। सर आपको वैसे डेफामेशन के लिए चले जाना चाहिए क्योंकि कोर्ट ऑटोमेटिकली ऑर्डर दे देगी साइबर क्राइम विंग को, किसकी रिपोर्ट दें, और ऑफिस को भी नोटिस चला जाएगा कि किस बिहाफ में आप इंक्वायरी कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट दें, और कुछ भी ना हुआ तो कम से कम आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा लेकिन वैसे यार ये किस तरह कर लेते हैं यहाँ पर, ये मैं तो इस साइबर क्राइम कासिल हूँ कि ये लोग ऐसी चीजें उठा के, पहले एक कराची में एक बंदे ने किया था वो, अच्छा वो मजे की बात ये है, वो बंदा अभी अपने आप को NLP ट्रेनर कहलाता है और उसने मेरी ही फैमिली की पिक्चर यूज की और उसके नीचे कैप्शन क्या लगाई, और वो टीवी के 92 न्यूज के लिए उसने यूज की और उसके नीचे उसने कैप्शन क्या लगाई हुई थी कि अगर आप इस खानदान की तरह डिप्रेस नहीं रहना चाहते तो आप मुझसे रब्ता करें। अबे यार भाई तुझे कैसे पता कि मेरा खानदान डिप्रेस है। आपको डेफामेशन के लिए चले जाना चाहिए ना, उसमें ये होगा कि एक तो नोटिस जारी हो जाएंगे, उसके बाद फिर सारे बी अवेयर भी हो जाते हैं, मोस्टली लोग फिर वो यूज नहीं करते, और इस तरह ऑफिशियली जो यूज करते हैं उसमें फिर वैसे भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे अनऑफिशियली, अगर आप डेफामेशन के लिए सूट फाइल करें। मोस्टली लोग करते हैं नहीं है तो ये उनके लिए एक हौसला शिकनी नहीं होती, वो लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन इट्स अ लॉ, आप सेक्शन 499 के तहत PPC आप FIR के थ्रू जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हैं सिविल रेमेडी। यस सर, यही मैं कहना चाह रही थी कि जैसे अब जरदारी साहब का जब दौर था तो कितने वो मैसेजेस भी चले और वो जरदारी साहब के बारे में मतलब उनको एनिमल से वो तशबीह दी जाती रही और इतना कुछ हुआ, तो कभी कोई कार्रवाई हुई इसलिए कि जरदारी साहब ने क्लेम नहीं किया? नहीं, वो जरदारी साहब क्लेम कर नहीं सकते थे, सॉरी वो क्लेम नहीं कर सकते थे। मैं फर्ज से बात कर रही हूँ, इतना चला ना साइबर क्राइम में तो इतना ना कि आप यानी वो बाय नेम भी लोग हमारे जैसे जो अनपढ़ गाँव के लोग थे वो तो बाय नेम भी सब जो मर्जी करें, बट द ऑफिशियल थिंग इज द हेलो उमर उसके लिए और उसकी एक्सेप्शंस भी थी कुछ, लेकिन जो सर वाला केस है उसमें डेफामेशन अच्छा अगर कोई प्रिपेयर करे तो एक अच्छा केस है। लो फिर उमर साहब वकील साहब तारू केस देता, फिर करो ऐसा केस बनाओ। सर क्लेरिफाई कर दूं। जी जेलम में कोई DPO ऑफिस नहीं है, ये डिवीजन है जिला गुजरात की, DPO ऑफिस गुजरात में है, SSP सैयद तौसीफ हैदर उसके कमांडर हैं। जेलम में कोई DPO ऑफिस नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जो जेलम पुलिस की वेबसाइट है उसके लिखा हुआ है DPO जेलम, ये लिखा हुआ है, और मैंने उनको मैसेज किया है, मैं आपको मैसेज भी खैर उसका दिखाता हूँ ना। मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज मैं हैरान हुआ कि साइबर क्राइम के ऊपर यहाँ पर कोई खाता ही नहीं है किसी ने खोला हुआ, तो मैंने कहा। और इसके अलावा सर जो पेजेस होते हैं ना जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जैसे आपने कहा कि वो पेज पर लगाई हुई, तो वो जिन्होंने वो एप्लीकेशन बनाई हुई ऐसे ना उनका एक किस्म का जो फीडबैक कह रहे हैं ये वो ही फिर वो आपकी तरफ से वो आ जाते हैं, उनकी भी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या आपकी प्राइवेसी उन्होंने रखनी होती है तो आप उनकी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो भी फिर आपको डिफेंड करते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे भी आप क्लेम कर सकते हैं।
अभी तो चले खैर वो तो एक है, लेकिन मैं इसको ये इसको इसलिए मैंने स्पेसिफिकली डिस्कस किया कि आप लोग सारे चूंकि फील्ड से हैं, मैं यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे मैंने उसको डीप ये लिखा किसको मैंने पहले एक अखबार वाले ने डाली हुई थी, वो भी जेलम का अखबार वाला है, उसने फिर मुझे जो है ना वो सॉरी की, उसने कहा कि जी मैंने तो वहाँ से उठाई है डीपीओ ऑफिस से, उसने मुझे फिर उसकी वो पिक्चर भेजी, फिर मैंने डीपीओ ऑफिस जाके जो उनकी वेबसाइट है जेलम की मैंने वो उठाई, वो वेबसाइट खोली तो उस पर वाकई वो पिक्चर लगी हुई थी, ठीक है, और फिर मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने मुझे ठीक ठाक कि जी हम इसकी इंक्वायरी करके मैं आपको बताता हूँ, ये देखेंगे ये है इसका क्या गया, अबे यार नेट ही बहुत स्लो हुआ इस वक्त, एनीवेज चलो तो ठीक है जी वकील साहब ये केस आपके पास आ गया, फिर इसको आगे परसू करते हैं रिश्वत खोर ते फायदा की पिछों फिर मैं करा टकोर ते फायदा की भाजपा चल जिलम जिलम वालों फड़न गए था बाकी सारा भी पीछे पै गए ने नहीं नहीं सर वो इस पर रिसर्च की जरूरत है अभी, जिस तरह एक पॉइंट ये भी निकला है कि जेलम में डीपी ऑफिस नहीं है और भी काफी सारी चीजें इसमें से निकलेंगी, जब केस प्रिपेयर करते हैं तो वो एक डिफरेंट नोयत होती है, जब यूं हम चीजें सुनते हैं तो तब डिफरेंट चीज होती है, तो जब तक एविडेंस नहीं आता सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते जी रिसर्च कर लेना सर आप इसकी जो चीजें हैं जो जैसे जो जो चीजें आप समझते हैं कि ये बतौर एविडेंस यूज हो सकते हैं ऐसे तो आप बताइएगा फिर इसको देख लेते हैं। चलें जबरदस्त हो गया, ये तो थोड़ा सा साइड नोट था हमारा क्योंकि मैंने कहा मैं आज आप लोगों से इसके ऊपर नॉलेज लूँ कि मेरा इसके ऊपर बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यही मैं दुबई में होता तो मुझे पता था दुबई में सिर्फ मुझे एक फोन कॉल करनी थी और वो जिसने डाली थी ना पिक्चर वो चाहे अमेरिका भी बैठा होता उन्होंने अच्छा जी कोई सवाल जो आप अभी तक के आज के हवाले से एक है जी जी तैमूर नहीं बोला अभी तक ना तो तैमूर सर आज लॉ की क्लास भी ले लिया उसने तो थका होगा तैमूर बेटा आज मजा नहीं आ रहा यार तैमूर मेरे ख्याल है सर लॉ के नोके सो गया है ना मुझे भी ऐसे ही लग रहा है इतना खामोश तैमूर तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा पॉसिबल ही नहीं है सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं वो मैं खैर छोड़ गया निकल गया बीच में से हाजिरी लगवा गए तैमूर साहब इज गॉन तैमूर है सर ऑनलाइन रहा है काफी देर रहा है सर ऑनलाइन घंटा डेढ़ घंटा रहा ये शानी अच्छा चले जी अब फिर हम ऐसे करते हैं कि अगर इंशाल्लाह ऐसा हमारा और कोई सवाल जवाब नहीं है तो नेक्स्ट के लिए जो है हम टॉपिक्स डिवाइड करें अभी कौन वॉलंटियर करेगा वरना फिर मुझे दोबारा खुद चुनने पड़ेंगे ये अब बिल्कुल नए बंदे होने चाहिए नेक्स्ट के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा पहले बता रहा हूँ मुजफ्फर अब्बास सर हाँ शहजादा मुजफ्फर आ गया चलो टॉपिक आपको अभी एलोकेट करते हैं और जी सोखा जा करें सोखा ही करांगे मुजफ्फर तेनू कह रहा हूँ मुश्किल देना यार तो बड़ा तेरा अली हसनैन सर अली हसनैन आ गया दो हो गए ठीक हो गया जी और I can answer कौन उमर ओके उमर हो गया तीन चलो नाम नोट कर लें और ये तीन लोग हैं तो चले अभी हम तीन के साथ चौथा भी यार कुड़ियों को आ जाओ जी आर सिदरा ने तो कर दिया इस दफा और कौन है ठहर जाओ जी ठहर सर मेरा नाम लिख ले मैं तैयार कर दूंगी नाजिया आ गई नहीं नाजिया आपका इसके बाद ही करते हैं ना ये एकदम अभी नहीं आपका ना महक को बुलाएं ना महक किधर गई है सर हाँ आपने करना मेरा भी फिर आप मैंने तो आपको पहले शराफत से कहा था वॉलंटियर कर लें अच्छा सरिश ने कहा चलो ठीक है सरिश कर ले मैं समझा कि महक को ओके सॉरी याकूत ने कहा अच्छा याकूत ने कहा सॉरी मैं समझा क्योंकि हाथ सरिश ने खड़ा किया हुआ सरिश आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ कुछ कहना है आपने अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम जी बेटा सर मैं भी करूंगी टॉपिक प्रेजेंट चलो फिर तो गुड हो गया फिर तो हमारे पास है फिर हमारा हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड क्रिमिनल जस्टिस पे ठीक है तो टॉपिक्स हैं हमारे पास
ये मोटरसाइकिल कौन चला रहा है यार? इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द इंसैनिटी डिफेंस, सिविल कमिटमेंट ऑफ द इनसेन, प्रेडिक्शन ऑफ डेंजरसनेस, एग्रेशन पोटेंशियल एंड सुसाइड। तो अभी पांच लोग हैं, तो पांच टॉपिक्स में हम अभी एक टॉपिक के पांच हिस्से, ये तीन टॉपिक्स पे करेंगे जिनके हम पांच हिस्से बनाएंगे, ठीक है जी? या छह हो तो फिर मैं सबको, छठा कोई और बंदा आ सकता है बीच में? चलो ऐसा करते हैं, तीन लोग हम, आप तैयार या पांचों लोग करेंगे और छठा मैं खुद नॉमिनेट कर देता हूँ, ठहर जाओ। छठा अरसलान, अरसलान का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, जिसकी रिपोर्ट्स होती हैं मुझे बड़ा मजा आता है अरसलान आपकी रिपोर्ट्स देख के। तो यू आर द सिक्स्थ पर्सन नॉमिनेटेड, ठीक है? अरसलान गायब हो गया? नहीं बोले। अच्छा ठीक हो गया, चलें ग्रेट। ओके तो तला आप सबसे, आप लोगों का छहों का चॉइस है, आप में से सुसाइड पे कौन बात करना चाहेगा? सर मैं करना चाहूंगा, ज़ेनफर। ओके सुसाइड को ज़ेनफर का हो गया। एग्रेशन पोटेंशियल, कोई नहीं? ओके फिर सैरिश आप एग्रेशन ले लो। सुसाइड इज अ मेंटल हेल्थ इशू ना, तो उसके ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर सुसाइड वालों के साथ क्रिमिनल जस्टिस का क्या है, ये हमारा मेन टॉपिक है, क्रिमिनल जस्टिस एंड मेंटल हेल्थ इशू, ठीक है? तो उसमें सुसाइड इज वन ऑफ द टॉपिक्स वी नीड टू डिस्कस। यार ये शोर किसका आ रहा है, एक सेकंड है, जो तो बाहर है मेरा ख्याल है। ओके सो सहरिश का हो गया एग्रेशन पोटेंशियल, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द इनसैनिटी डिफेंस, इनसेन लोगों के ऊपर। आप में से लॉयर कौन है इन छहों में से? लॉ कौन पढ़ रहा है? उमर ही है, अरसलान है, अरसलान और उमर। हाँ तो बस फिर अरसलान, ये टॉपिक आपका है, क्रिमिनल भाई भी पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी ये जो छह लोग नॉमिनेट हुए हैं इनमें से अरसलान है ना, ठीक है? तो अरसलान आपका ये हो गया क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंसैनिटी डिफेंस, ठीक है? ओके सर। और इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये महक आप ले लो। और उसके बाद आ गया आपका सिविल कमिटमेंट फॉर इन, क्या है इवैल्यूएशन ऑफ, इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, और आखिरी बचता है सिविल कमिटमेंट ऑफ द इनसेन। ये छठा हमारा कौन था यार? अली हसनैन सर। अली हसनैन, अली हसनैन, ये आपका हो गया, ठीक है? दो दो रहते हैं सर अभी। जी दो रहते हैं सर अभी, सिविल कमिटमेंट ऑफ द इनसेन और प्रेडिक्शन ऑफ द डेंजरसनेस। हां सॉरी, प्रेडिक्शन ऑफ द डेंजरसनेस भी रहता है ये, बाकी कौन बच गया पीछे हमारा? जरा रिपीट करें ना, कौन कौन सा किसका? हेलो तला जरा रिपीट करें, कौन कौन सा किसको मिला था? सुसाइड हो गया गजनफर के पास, सुसाइड गजनफर का, एग्रेशन सैरिश, सैरिश डेंजरस, सिविल कमिटमेंट ऑफ द इनसेन अली हसनैन, सिविल रिस्पांसिबिलिटीज अरसलान, अरसलान और इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंसी महक को दिया महक। और पीछे छठा बंदा हमारे पास कौन बचा है? वैसे सर उमर परवेज और याकूत, इन दोनों ने किया था। अच्छा तो उमर परवेज और याकूत ने किया ना, तो याकूत को दे देते हैं, उमर तो पहले भी कर चुके हैं। याकूत आप ये ले लें बेटा, सिविल कमिटमेंट सॉरी द प्रेडिक्शन ऑफ डेंजरसनेस, प्रेडिक्शन ऑफ डेंजरसनेस, ठीक है ग्रेट। Furthermore, sir, to clear ambiguity, we are also student of law, Raghzan for Abbas and Ali Hasnain, but we don't need to say that we are student of law because we are not practitioner lawyer. It's fine, yeah. It's not, but the reason why मैं उसको क्यों कहता हूँ कि जो law पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ थोड़ा सा जो है, जहाँ पर law की चीज़ आएगी, वो थोड़ा सा उनके लिए समझना समझाना आसान हो जाता है। Otherwise, तो हम सब ने सब कुछ ही करना है, ठीक है? So आप लोगों ने जिस तरह से माशाल्लाह, और मैं
बार बार ये बात कह रहा हूँ, इवन मैं आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बता रहा हूँ कि भाई मेरा ख्याल है कि शायद ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बेस्ट क्लास जाएगी मेरे हिसाब में, ठीक है, जिस तरह से आप लोग माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों का रिस्पॉन्स है, जिस तरह से आप लोगों का नॉलेज और आप लोग उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कमेंडेबल, ठीक है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। मैंने कहा ना मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये होने वाली है कि जे तुम मैंने कल क्या कि सर साढ़े नंबर, तो मैंने ये समझ नहीं आई कि मैं नंबर कटा कितों, ठीक है, और फिर यूनिवर्सिटी वाले मैंने कहेंगे तुम सारे इन्हें नंबर देते, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सीरियसली यार देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा। तला हमारी टोटल अटेंडेंस कितनी गई है इस दफा सर? आज वाली मैं मॉनिटर कर रहा हूं प्रीति, हां सॉरी सर, वाह आई तो एक मिनट से आज वाली आपको बताता हूं। आकबर सब्र करना, उमर आपने हाथ खड़ा किया था बेटा, कुछ कहना है? आप इससे अगली दफा कर लिए लेना, नेक्स्ट के लिए आप याद रखना कि उमर को हमने देना है नेक्स्ट। जी तलास सर, हमारे तो 34-35 भी रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन वैसे जो है 48 से 50 के करीब लोग थे जो एक किसी ना किसी टाइम ऑनलाइन आके दोबारा ऑफलाइन हुआ। यार 48 तक मैंने तो काउंट जाते नहीं देखी वैसे तला इस दफा सर, मैक्सिमम एट अ गिवन टाइम 34 से ऊपर नहीं गए। हां वो है एट अ गिवन टाइम 35 बल्कि 35 मैंने एट अ गिवन टाइम 35 शायद वन टाइम गई थी सर, लेकिन ये कि अदरवाइज इसमें ऐसा है कि वो कुछ लोग जो है इंटरमिटेंट कनेक्शन होता है उनका, जैसे जो आप कह रहे थे बार बार आ रहे लोग, वो तो खैर उनमें से मैक्सिमम लोग वो थे जो पहले भी कनेक्ट हुए हुए थे एक बार और डिस्कनेक्ट होके दोबारा आ रहे थे। अच्छा एक तो इस तरह के इश्यू तो ठीक है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि जलील हमारे साथ है, अब्दुल जलील माशाल्लाह रिकवर भी कर चुका है, इसके भाई की भी इंशाल्लाह रिकवरी हो रही है और इसके फादर की भी हो गई है, तो अब्दुल जलील अब इससे अगली क्लास में एक असाइनमेंट आपने लेनी है, ठीक है ना, और मुबारक हो बहुत बहुत फॉर द रिकवरी। जी सर, अभी मेरे पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं है हॉस्पिटल में, तो जैसे वो होगा मैं सर जरूर, इसीलिए तो मैंने कहा इससे अगली, मैंने इसका तो कहा ही नहीं इससे अगली, इसीलिए कहा कि इंशाल्लाह तब तक तो आप घर हो गए ना सर, मैं ये भी करने को तैयार हूँ लेकिन बस थोड़ा सा वो मसला है अभी, ये तो मैंने इसलिए तो कहा ना कि इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि मुझे अंदाजा है, मुझे पता है आप अभी हॉस्पिटल में हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी में हो गई है तो अल्लाह का बड़ा करम है। जी अली आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? सॉरी टू इंटरप्ट सर, कहना यही था कि जो बंदे एक दफा ऑनलाइन होते हैं तो बाद में आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है तो वो लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, हाँ। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो सुनते भी हैं, तो इसलिए काइंडली अटेंडेंस का जो तला भाई बता रहे थे वो उनका नेट का इशू है, क्योंकि हम सारे रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, मेरे पास अच्छा नेट है, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी रूरल एरियाज हैं सब पर वहाँ अच्छा नेट है, ज्यादातौर पर जो ज्यादातर दोस्त है उनका ये प्रॉब्लम है, तो काइंडली अटेंडेंस का जो तला भाई कह रहे हैं जो तला ने कह दिया, मुझे आपको पता है यार मुझे तो अटेंडेंस से कोई इशू ही नहीं है, मैं तो सिर्फ वो है कि मुझे, क्योंकि देखो पता क्या होता है, अब ये रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी भी देख रही होगी, ठीक है, ये ना हो कि मैं यहाँ से कह दूं कि जी 48 थे और यूनिवर्सिटी वाले कहें जी नहीं तुम्हारे को तो सिर्फ 30 बंदे सन, तो वी नीड टू हैव अ सब्सटेंशियल प्रूफ कि जी ठीक है हमारे इतने बंदे थे, ऑब्वियसली सर ऑब्वियसली, बट तलाब भाई के साथ कंसेंसस जो है वो भी इसीलिए, हां तो इसीलिए मैं कोई और स्टेटमेंट दे और आप कोई और दे, जी जी बिल्कुल, थैंक यू, अभी स्टेटमेंट बन के अभी ये चली जानी है 48 की स्टेटमेंट जो है हमारी, तलाब 48 ही है मैक्सिमम आपने कहा है ना सर? 50 दो लोग हमारे ड्रॉप डाउन हैं वो भी इसमें प्रेजेंट थे, एक मोहम्मद आसिफ एडवोकेट भाई हैं वो 2016 के बैच के हैं, अच्छा। वो भी प्रेजेंट थे और एक अनस है हमारे पास, टोटल 60 हैं सर क्लास में, आउट ऑफ 60 आफ्टर ड्रॉप डाउन लोग 60 लोग हैं और 50 एट ए गिवन टाइम किसी भी वक्त प्रेजेंट थे, अब उसमें वो नहीं मैं कैलकुलेट कर पाया कि कौन कितने सबसे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, डजंट मैटर डजंट मैटर, मुझे सिर्फ ये है कि वो जब सो अगर वो लोग चेक करें तो वो कल को वही हमें कुछ कह ना सके, इसलिए मैक्सिमम उनमें से 90% लोगों ने सर चैट में अपने रोल नंबर भी लिखे हैं और दूसरा ये कि एटलीस्ट ऑनलाइन जरूर आए, ठीक हो गया जी, ये मैंने ये बना के और ये मैंने डाल दिया, हमारी क्लास थी 2:30 से 5:30 तक, ठीक है।
ठीक है। अच्छा जी, रमजान में टाइमिंग ये मेरा ख्याल है तभी यही हमें सूट करेंगे, क्या ख्याल है आप लोगों का? सर रमजान में ऐसे ही है सर, एक तो लेंथ ऑफ द सेशन वो फिर सर आप देख लीजिएगा जैसे आप सजेस्ट करेंगे, और दूसरा ये कि ये 2:30 से 4:30 जो है ये आइडियल टाइम है, मेरा अंदाजा तो ये, अगर किसी और की इसके बारे में कोई और ऑब्जर्वेशन। मेरा भी ये ख्याल है 2:30 टू 4:30 इज आइडियल टाइम, आई एग्री विद यू, बाकी सारे देख लें। 50 मैंने स्टूडेंट्स का तलब है इसमें ऐड कर दिया, ठीक है सर? ठीक है सर, मैं आपको रोल नंबर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है वो, ताकि वो हमारे इसमें आ जाएंगे ना, तो डन हो गया। ये मैंने उनको रिकॉर्ड में आ जाएंगे, ये मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया है ये। अच्छा चलें जी, और कोई बातचीत कोई करना चाहे अगर कोई पॉइंट पे, नहीं तो फिर मैं खैर इसको हम आज क्लास को खत्म करते हैं ऑफिशियली, तो हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो ही गया है। मेरा ख्याल है वैसे आज अभी तक के सेशंस में सबसे इंटरेस्टिंग सेशन गया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यस सर, अभी मेरा भी यही ख्याल है, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ रहा है, अब चीजें रिवील ज्यादा हो रही हैं और कुछ शायद हमें समझ भी बेहतर आ रही है पहले से। बिल्कुल, क्योंकि और आप लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दैट इज अमेजिंग, एक्चुअली दैट मेक्स द सेशन मोर इंटरेस्टिंग। माशाल्लाह सर, बाकी लोग अभी जो नहीं बोल रहे वो भी छुपे रुस्तम है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा तला, आपको एक सवाल मेरा है कि जज़ाकअल्लाह खैर महक बेटा, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप लोगों के साथ कोई बाकी टीचर्स ने डिस्कस किया है एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर है? सर एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है ना, उनकी मीटिंग्स हुई हैं इसके ऊपर, उनकी मीटिंग्स इसके ऊपर हुई हैं लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। प्रपोजल्स हैं उनके सामने, डॉक्टर शाहिद से कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि प्रपोजल्स हैं और काफी प्रपोजल्स हैं, लाइक मोर देन 10 प्रपोजल्स हैं इनके पास कि कैसे वो करना है। वो इतना कहते हैं सिर्फ एक चीज है अभी जो एग्रीड अपॉन है, वो ये कि जो भी चीज होगी वो प्रेजेंटेबल होगी, मतलब ये कि विदाउट एनी एग्जामिनेशन, एक तो किसी को नेक्स्ट सेमेस्टर में ये लोग क्लियर नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसको ये एविडेंस आगे ना प्रोवाइड कर सके, तो इट मींस कि कोई ये सब्सटेंसिव ज्यादा चीज ऑनलाइन भी जो ये करेंगे, अगर अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो वो भी फुल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे बिफोर अनाउंसिंग दैट। मैंने भी पूछा था, मुझे भी था, कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं है, तो मैंने कहा शायद किसी और टीचर से आपकी को बात हुई है, तो चले अच्छा होगा ये पता चल गया। वो ऑलमोस्ट वो कह रहे हैं कि वीकली कोई ना कोई इस पर डेलिब्रेशन होती है। हाँ वो ये फाइनल और जी सर, फाइनल अभी तक नहीं हुआ, ये लो ये फाइनल अभी तक नहीं हुआ जी, ये पॉसिबिलिटी है कि असाइनमेंट के वेटेज ज्यादा हो जाए जी। सॉरी नाजी क्या कह रही है जी? सर ये भी सर यही कह रहे थे कि अभी फोकस वो करें कि जिनके फाइनल सेमेस्टर है ना, यानी जो क्लासेस जैसे ऑफ होना है, जैसे जिनका सेशन ऑफ हो रहा है अभी, उनको ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं कि उनके तो सारे एग्जाम लें क्योंकि उनकी डिग्री होनी है ना। हम जैसे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, हमारा ये भी हो सकता है कि आगे जो थर्ड सेकंड वाला सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर जब शुरू होगा तो पहले हमारे एग्जाम ले लेंगे सेकंड सेमेस्टर के, फिर थर्ड शुरू हो जाएगा, एक वीक की बात है एग्जाम, तो इसलिए ज्यादा फोकस वो कर रहे हैं कि उनका उनको उन्होंने फोकस किया हुआ जिनका फाइनल ईयर है या फाइनल सेमेस्टर है, कि वो लोगों की डिग्री ड्यू है तो उस पे अभी ज्यादा काम हो रहा है, वो ये कह रहे थे। सही 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 सही, यही हो सकता है, क्योंकि मेरी असल में डॉक्टर जवेरिया से बात नहीं हो पाई, तो मैंने दो तीन दफा मैसेज किया, मैं खाला वो शायद बिजी बेचारी जा रही हैं बहुत नॉर्मली, तो शी इज वेरी प्रॉम्प्ट इन रिप्लाइंग, लेकिन ये कि शायद मैंने भी मैसेज लेट ही किया था उनको, तो हो सकता है उन्होंने देखा ही नहीं अभी तक उन्होंने मैसेज। एनीवेज चलें जी, जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्राइडे 2:30। यस सर इंशाल्लाह। ग्रेट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर।